हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। एंड होली बहुत जबरदस्त तरीके से आपने मना ली होगी। अब हम लोग जो है वापस अपनी स्टडीज की तरफ वापस बढ़ रहे हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में कुछ इश्यूज के कारण हम लोग बेटा अपना मेगा मैराथन जो सेकंड पार्ट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का था उसको ठीक से हम लोग कर नहीं पाए थे। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग वही मेगा मैराथन बहुत बढ़िया से करने वाले हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का तीसरे पार्ट में। सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ मेगा मैराथन ऑफ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज, एसएससी, असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन, जिस भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं उन एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। सो यू कैन क्रैक गेट ईएससी विद इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अन अकेडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बाई टेकिंग। लेना पड़ेगा आपको अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज की आपको एक्सेस मिलती है, और जिसमें आपको पढ़ाता है हिंदुस्तान के बेस्ट एजुकेटर जिन्होंने ऑलरेडी वो एग्जाम क्रैक कर रखा है। अप्रैल से मैं भी प्लस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया कोर्स लेकर आ रहा हूं। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है बेटा मोहम्मद एहतिशाम सिद्दीकी, मेरा रेफरल कोड है ES001। आप गूगल भी कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। आई एम एल्यूमिनी ऑफ जेएमआई न्यू दिल्ली, मैं जेएमआई न्यू दिल्ली का एल्यूमिनी हूँ। लगातार 4 साल से गेट को बढ़िया बढ़िया रैंक से क्रैक कर रहा हूँ। 3.5-4 साल का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है गेट और ईएससी की फील्ड में। गेट और ईएससी की फील्ड में मुझे 3.5 से 4 साल का एक्सपीरियंस है। उससे पहले मैं आईआईटी जेई और नीट की फील्ड में आपकी प्रिपरेशन बच्चों को करा रहा था। तो लगभग 3.5-4 साल में आईआईटी जेई और नीट की फील्ड में रहा हूं, और उसके बाद गेट और ईएससी की फील्ड में आ गया हूं। तो अभी तक जो है मैंने 10,000 से ज्यादा बच्चों को गेट और ईएससी में गाइड कर रखा है, और ये बड़ी खुशकिस्मती रही कि इतने कम पीरियड में ऐसे स्टूडेंट्स भी मुझे मिले जिनको मैंने गाइडेंस दी और उन्होंने AIR रैंक 1 भी अलग अलग एग्जामिनेशन में हासिल करी है। तो जियोटेक, वाटर रिसोर्स, एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर, सर्वेइंग, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स में अनअकैडमी की ऐप और अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल्स पर, जो कि लीड गेट चैनल जिसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और लाइक कर दीजिए वीडियो और शेयर कर दीजिएगा, यहां पर मैं पढ़ाता हूं। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये जो है आपका अनअकैडमी का बेस्ट सब्सक्रिप्शन माना जाता है, एवरग्रीन सब्सक्रिप्शन माना जाता है, क्योंकि इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती है। और ये लाइव क्लासेस एवरी नहीं होती, ये लाइव क्लासेस इंटरेक्टिव होती हैं। आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, आप अपने एजुकेटर के साथ डिस्कशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आप बेटा अपने क्लास के दौरान जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें आंसर्स पोल अब जनरेट किया जाता है एजुकेटर के द्वारा, तो आप क्लास के दौरान ही उन आंसर पोल्स को आंसर कर सकते हैं। किसी वजह से अगर आपकी लाइव क्लास छूट जाती है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लाइव क्लास आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में चली जाती है। और अगर वो क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में चली गई तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म की क्लास आपको केवल और केवल एक सब्सक्रिप्शन खोल सकता है। उस वन सब्सक्रिप्शन से आपके सारे के सारे जो है आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, सारी की सारी चीजें आपकी अनलॉक हो जाएंगी। तो अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है आपको उन सारी रिकॉर्डेड क्लासेस की, अगर आपने वो क्लास मिस कर दिए कहीं भी, कैसे भी, किधर भी, कितने भी बार, आप उस रिकॉर्डेड क्लास को देख सकते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस आपको मिलते हैं बहुत बढ़िया एक्सपर्ट टीम के द्वारा। आप अपनी प्रिपरेशन को जज करना चाहते हैं, इवेल्युएट करना चाहते हैं, रेगुलर मॉक टेस्ट दीजिए, क्विजेस दीजिए, वो सब मिलेगा आपको प्लस सब्सक्रिप्शन पर। इसी तरीके से आपके जो कोर्सेज होते हैं वो सारे के सारे आपके एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए होते हैं, उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको कोर्स कराए जाते हैं, इसीलिए उन कोर्सेज को हम लोग स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज कहते हैं। इसी तरीके से अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन गेट और ईएससी प्रिपरेशन का बेटा आपका एक नेक्स्ट लेवल की तैयारी होती है, क्योंकि इसमें आपकी तैयारी कराता है एक पर्सनल कोच जिसने ऑलरेडी गेट, ईएससी या फिर जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो इस एग्जाम ऑलरेडी क्रैक कर रखा है। तो आपको एक पर्सनल कोच मिलता है, साथ ही साथ आपको बेटा मेंस के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराई जाती है, आपकी स्टडी को ट्रैक किया जाता है, कैसी आपकी स्टडी चल रही है। अनअकैडमी की बेस्ट टीम के द्वारा बनाया गया क्वालिटी स्टडी मटेरियल मिलता है, और सारे के सारे प्लस के बेनिफिट्स तो आपके मिलते ही मिलते हैं। ये सारे टॉप एजुकेटर्स हैं मेरी तरह जो है, आप ये मेरी तरह इनसे भी जो है टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर आप पढ़ सकते हैं। जैसे ये पढ़ाते हैं वैसे ही मैं भी अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म में अप्रैल से पढ़ाने वाला हूं, अपने बेहतरीन क्वालिटी कोर्सेज के साथ में आ रहा हूं। आप देखिएगा एक बार क्वांटिटी क्वालिटी, मैं कोई हवाबाजी नहीं करता हूं, एक बार क्वालिटी देखिएगा, अगर आपको पसंद नहीं आए तो 3 क्लासेस के बाद आप कभी भी आइएगा मत, मैं तो पूरा बोलता हूं। और कंपेयर कर लीजिएगा मार्केट में किसी के साथ भी, किसी भी बड़े से बड़े एजुकेटर के साथ आप कंपेयर कर लेना, कंटेंट में जमीन और आसमान का फर्क देने का काम मेरा है, बस आपको ऑनेस्टली प्रिपरेशन करनी है। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ाएंगे प्लस में अप्रैल से।
सो प्लस की अगर हम बात करें तो प्लस के बेटा एक मंथ से लेकर 24 मंथ तक के आपके प्लान है, एक मंथ का भी ले सकते हो आप 24 मंथ का भी ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप अपनी तैयारी एक मंथ में कंप्लीट कर लेंगे तो आप एक मंथ का ले लीजिए, और अगर आपको लगता है आप अपनी तैयारी बेटा 24 मंथ में करेंगे तो आप 24 मंथ का ले लीजिए। लेकिन आपको ये सारी फीस देनी नहीं है, आपको सिंपली मेरा कोड यूज करना है ES001, आपको इंस्टेंटली बेटा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो फीस 44,000 थी ना वो आपको केवल 39,600 रुपए में पड़ जाएगी। इसी तरीके से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बेहतरीन सब्सक्रिप्शन है, और जो चीज अच्छी होती है वो लिमिटेड होती है, दो ही प्लान्स में अवेलेबल है, 1 साल और 2 साल। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फीस है 50,250, और 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फीस है आपकी 74,000। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे ES001 तो आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट यहां पर भी मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या? अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई मित्र, आपका कोई भाई, आपका कोई पड़ोसी, आपका कोई बेटा रिश्तेदार, आपका बेटा बेटी, कोई भी अगर बेटा गेट, ESC, SSC, RRB, APPSC, MPSC, MPPSC, GRE, IIT, NEET, CAT, CA, Bank, UPSC, Civil Services, NET, CLAT, IELTS, MBA, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको अगर अनअकैडमी की क्वालिटी कंटेंट का प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप ये जो मेरा कोड है वो गेट और ESC तक सीमित नहीं है, आप IIT में लगाओ, नीट में लगाओ, हर जगह आप इस कोड को लगा सकते हैं। और जब आप इस कोड को लगाएंगे तो आपको इंस्टेंटली क्या मिलेगा, इंस्टेंटली जबरदस्त वाला आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो अगर आपको बेटा कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग पूछना चाहते हैं, पढ़ाई से रिगार्डिंग पूछना चाहते हैं, मेंटल इश्यूज हैं, डाउट्स आपके क्लियर नहीं हो रहे हैं, स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको चाहिए, टेस्ट सीरीज आपको चाहिए, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है अनअकैडमी एहतिशाम सिद्दीकी का एक टेलीग्राम चैनल है, जिसको आप बेटा टेलीग्राम पर सिविल बाई सिद्दीकी सर के नाम से सर्च करके ढूंढ सकते हैं। जो स्पेलिंग है वही डालिएगा, सिविल बाई सिद्दीकी सर एक चैनल खुलेगा एहतिशाम सिद्दीकी अनअकैडमी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलरेडी उसमें जो है 1100-1200 मेंबर्स हैं, जो कि पूरी ट्रस्ट के द्वारा सिद्दीकी सर के गाइडेंस में अपनी तैयारी कर रहे हैं। आप भी ज्वाइन हुई है और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से चालू करिए। तो मेगा मैराथन पार्ट 3 हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का शुरू कर रहे हैं, है ना। तो ऑलरेडी हमने कई सारे सवाल कर लिए, तो उससे आगे हम अपने मैराथन को चालू करेंगे फटाफट से। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 76 तक शायद कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 77 से आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 76 तक कर लिया था, मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 77। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर बताएंगे सब लोग, टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 77। क्या लिखा हुआ है, आपसे ध्यान से पढ़ेंगे, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द नॉन डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट मे कॉज द स्प्रेड ऑफ, अगर आप सॉलिड वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं करेंगे तो इट विल कॉज मलेरिया। नहीं, देखो सॉलिड वेस्ट जो है बेसिकली ऑर्गेनिक होता है, और अगर आपने उसको बिना ट्रीट करे कहीं डिस्पोज कर दिया, ऐसे ही लैंडफिल पर अगर आपने डिस्पोज कर दिया तो वो डिग्रेड होना चाहेगा, वो डिकम्पोज होना चाहेगा, जब वो डिकम्पोज होगा तो बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, उन गैसेस से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, साथ ही साथ क्या होते हैं, बहुत सारे लिक्विड्स निकलते हैं जिनको हम लीचेट्स कहते हैं, है ना, वो बेटा बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट करते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, इनको डिकम्पोज होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, और ये ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, ये ऑक्सीजन बेटा जो है आपका एटमॉस्फेयर से सक कर लेता है। तो अगर आपने बेटा इन सॉलिड वेस्ट को अगर ढंग से डिस्पोज नहीं किया तो एक तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर की लेगा, दूसरा ये ऐसे केमिकल और गैसेस बनाता है जो हमारी ह्यूमन बॉडीज, हमारे एनिमल्स, हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका में एक प्लेग हुआ था, एक महामारी फैली थी, ठीक है, तो वैसे ही अगर आप सॉलिड वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं करेंगे तो आपकी बेटा एक प्लेग हो जाएगी, दैट प्लेग इज कॉल्ड एज रोडेंट रिलेटेड प्लेग। रोडेंट का मतलब होता है बेटा एक तरीके से मधुमक्खी टाइप होती है, एक मक्खी टाइप होती है, बीज होती है बेसिकली, ये बीज होती है, बीज के कारण एक बीज इस पर बैठी, इसके बाद ह्यूमन पर बैठी, ह्यूमन के बाद एनिमल पर बैठी, तो इस तरीके से वो क्या करती है, वो बेटा आपका जो है प्लेग फैला देती है। तो याद रखिएगा कि अगर आपने सॉलिड वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया तो आपका जो मक्खियों वाला, जो आपका बीज वाला जो प्लेग होता है वो आपका पूरे कम्युनिटी में हो जाएगा। तो 77 का आंसर हो जाएगा आपका बी, द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 77 इज, क्लियर हो रही है बात, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ बढ़ रहे हैं। Which of the following materials are used as a landfill sealants? Which of the following materials are used as a landfill sealants for the control? Which of the following materials are used as landfill sealants for the control of gas and leachates movement? तो देखो, मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आप सॉलिड वेस्ट को कहीं पर लैंडफिल पर डिस्पोज करोगे तो
तो होता क्या है, इसका डिकम्पोजिशन होता है, उसके डिकम्पोजिशन से बहुत सारी गैसेस निकलती हैं और बहुत सारे लिक्विड्स निकलते हैं। गैसेस तो ऊपर चली जाती हैं एटमॉस्फेयर में, लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं ना वो बेटा ग्राउंड सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए नीचे ग्राउंड वाटर रिजर्वायर है, उस ग्राउंड वाटर रिजर्वायर को क्या कर देते हैं, पॉल्यूट कर लेते हैं, और उसी ग्राउंड वाटर को हम नल के द्वारा, वेल्स के द्वारा निकालकर पी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को क्या हो सकते हैं, बहुत सारी हार्मफुल डिसीजेस हो सकती हैं। तो अगर बेटा ये लीचेट ना बने, ये गैस कंट्रोल में रहे, लीचेट कंट्रोल में रहे, तो हम लोग कुछ सीलेंट्स डालते हैं। उन सीलेंट्स का काम क्या होता है, ये जो लीचेट्स का मूवमेंट है जो नीचे जा रहा है और गैसेस का जो मूवमेंट है जो ऊपर जा रही है, इनके मूवमेंट को रोकने का काम होता है। तो जो हम लीचेट्स डालते हैं, वो लीचेट्स हम लोग डालते हैं, एक तो डालते हैं बेटा बेंटेनोइड, एक तो हम बेंटेनोइड डालते हैं और दूसरा डालते हैं ब्यूटाइल रबर। तो बेटा जो सीलेंट्स हम जनरली यूज करते हैं, वो यूज करते हैं 3 and 5, दैट बेंटेनोइड एंड ब्यूटाइल रबर, और इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी सी। तो 78 का आंसर हो जाएगा आपका सी। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 79, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी एम्प्लॉयड फॉर द प्लास्टिक एंड रबर वेस्ट डिस्पोजल। देखो प्लास्टिक ऑर्गेनिक नहीं है बेसिकली, वो ऐसे ही आप डाल दोगे तो डिकम्पोज होने वाली नहीं है। कंपोस्टिंग जो मेथड है वो बेटा एक नेचुरल मेथड है जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए यूज करते हैं। फिर सैनिटरी लैंडफिल्स में आप करेंगे, ये भी एक नेचुरल मेथड है जिसमें आपका जो है धीरे धीरे समय के साथ डिकम्पोजिशन होता है। लेकिन जो प्लास्टिक और रबर है ना, वो इतनी आसानी से गलती नहीं है, उसे हमें जलाना ही पड़ता है, उसे हमें बर्न ही करना पड़ता है, उसको हमें हीट ही करना पड़ता है। अब दो तरीके से हीट कर सकते हैं, या तो आप आग जला दो, बर्न कर दो, इंसिनरेशन कर दो। इंसिनरेशन का मतलब क्या होता है, वेस्ट को बर्न कर दो, आग लगा दो इसमें, ठीक है। और पाइरोलिसिस में क्या होता है, हम लोग बेटा आग नहीं लगाते हैं, लेकिन हम लोग वेस्ट को हीट अप करते हैं। तो इंसिनरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपने सॉलिड वेस्ट को जला के राख कर देते हैं, लेकिन पाइरोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में अपने सॉलिड वेस्ट को हीट अप करने की कोशिश करते हैं। उसकी इंटरनल हीटिंग से क्या होता है, उसकी इंटरनल हीटिंग से उसके अंदर केमिकल चेंजेस, फिजिकल और केमिकल चेंजेस आते हैं जिससे वेस्ट आपका डिकम्पोज हो जाता है। तो कह रहा है प्लास्टिक और रबर को अगर डिस्पोज करना है तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, कंपोस्टिंग तो यूज नहीं कर सकते, सेंट्री लैंडफिल्स यूज नहीं कर सकते आप, तो या तो इंसिनरेशन यूज करोगे या फिर आप यूज करोगे पाइरोलिसिस। लेकिन इंसिनरेशन करने के लिए आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी की आपको जरूरत होती है, बहुत ज्यादा फ्यूल की जरूरत होती है, और इतना फ्यूल तो हमारे पास है नहीं। तो सबसे इकोनॉमिकल मेथड जो है वो नन अदर देन पाइरोलिसिस। तो हम लोग क्या करते हैं, रबर और प्लास्टिक को डिकम्पोज करने के लिए हम लोग बेटा पाइरोलिसिस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वी जनरली यूज पाइरोलिसिस। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर बताएंगे, टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 80। कह रहा है मैच लिस्ट 1 मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल एंड लिस्ट 2 पर्टेनिंग टू द मेथड्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सब लोग बताएंगे फटाफट से सब लोग इसका आंसर बताइए बेटा। इस क्वेश्चन का क्या है कि आपके सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड्स हैं और उसके कुछ आपके मेथड्स हैं, वो उसको आपको देखना है। कह रहा है इंसिनरेशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा सैनिटरी लैंडफिल्स सिलेक्टेड मटेरियल, तो आपसे ये बोल रहा है इंसिनरेशन की बात कर रहे हैं। इंसिनरेशन में आपको बहुत सारे फ्यूल की जरूरत होती है, तो ऑपरेशनल कॉस्ट भी ज्यादा होती है,
और आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा होती है। तो ए का तो हो जाएगा आपका, ए का हो जाएगा हाई ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, तो ए का तो हो जाएगा 3, तो यानी 2 नहीं हो, ये नहीं होगा। फिर अगर हम बात करें, दैट इज कॉल्ड एज साल्वेज बाय सॉर्टिंग। साल्वेज बाय सॉर्टिंग एक तरीका होता है जो हम कुछ स्पेशल तरीके के वेस्ट के लिए यूज करते हैं। फिर क्या है कंपोस्टिंग, अगर हम बात करें कंपोस्टिंग की, तो ये हो गया आपका डी, तो ए का हो गया 3, उसके बाद डी का हो गया 2। अब देखते हैं बी, बी क्या है सैनिटरी लैंडफिल सिलेक्टेड मटेरियल्स। देखिए सैनिटरी लैंडफिल्स जो सिलेक्टेड मटेरियल्स है, सैनिटरी लैंडफिल सिलेक्टेड मटेरियल्स है, उसको हमें कहां लेकर जाना पड़ता है, उसे हमें लैंडफिल्स पर लेकर जाना पड़ता है। आपने जो भी हमारा वेस्ट है उसको हमें लैंडफिल्स पर लेकर जाना पड़ता है, तो किसके द्वारा लेकर जाते हैं, ट्रैक्टर्स के द्वारा लेकर जाते हैं। तो बी का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4। फिर सी का क्या हो जाएगा कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में ऐसे ही नहीं हम डिकम्पोजिशन करते हैं, सबसे पहले प्री सॉर्टिंग करते हैं। प्री सॉर्टिंग में मतलब हम ऑर्गेनिक वेस्ट को अलग करते हैं, इनऑर्गेनिक वेस्ट को अलग करते हैं, पॉलिथिन को अलग करते हैं हम लोग बेटा, पॉलिथिन को अलग करते हैं हम लोग बेटा, रबर को अलग करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं सॉर्टिंग ऑफ द वेस्ट, उसके बाद उसको छोटा छोटा ग्रिंड करते हैं, और ग्रिंड करने के बाद उसको टर्न करते हैं। टर्न का मतलब क्या होता है कंपोस्टिंग में, हम लोग दो तरीके की कंपोस्टिंग होती है, एक तो एनारोबिक कंपोस्टिंग होती है, एनारोबिक कंपोस्टिंग होती है। तो जब हम एरोबिक कंपोस्टिंग करते हैं, तो उस केस में हमें ऑक्सीजन देनी होती है, जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा एरोबिक डिकम्पोजिशन होगा नहीं। तो हम बार बार उसको टर्न करते रहते हैं वेस्ट को, नीचे का ऊपर करते रहते हैं, ऊपर का नीचे करते रहते हैं। तो सी का होता हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, बी का आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी। समझ पा रहे हैं क्या, फिर से बता रहा हूं, इंसिनरेशन में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को वेस्ट को जलाना पड़ता है। इंसिनरेशन में हमें क्या करना पड़ता है, इंसिनरेशन में हमें वेस्ट को जलाना पड़ता है। और जब हम वेस्ट को जलाते हैं तो हमारी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी बात, सैनिटरी लैंडफिल्स पर अगर आपको सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करना है, तो उसको आप घरों से या फिर कहीं पर आपका कोई छोटा सा लैंडफिल है उसको बड़े लैंडफिल तक ले जाने के लिए ट्रैक्टर्स की आवश्यकता होती है। कंपोस्टिंग हम ऐसे ही नहीं करते हैं, कंपोस्टिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपोस्टिंग करने के लिए हम लोग बेटा क्या करते हैं, सबसे पहले वेस्ट को प्री सॉर्ट करते हैं, उसके बाद उसका ग्रिंड करते हैं, और उसके बाद अगर एरोबिक कंपोस्टिंग कर रहे हैं तो उसको टर्न करते रहेंगे, नीचे से उलट पुलट करते रहेंगे, ताकि वेस्ट को सफिशियंट ऑक्सीजन मिले और बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया उस वेस्ट को डिकम्पोज कर दे। समझ आ रही बात, साल्वेज बाई सॉर्टिंग भी एक तरीके का बेटा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तरीका है, जिसमें हम केवल कुछ ही तरीके के वेस्ट के लिए इस मेथड को यूज करते हैं। तो अगर आपको शुरू के 3 भी पता थे तब भी आप इसका आंसर सी मारकर चले आएंगे। समझ आ रही है बात, चलिए बहुत बढ़िया, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है, कह रहा है द एरोबिक मेथड ऑफ कंपोस्टिंग प्रैक्टिस इन इंडिया इज कॉल्ड एज। इंडिया में जो हम एरोबिक मेथड ऑफ कंपोस्टिंग करते हैं, देयर आर टू मेथड्स ऑफ कंपोस्टिंग, वन इज कॉल्ड एज एरोबिक मेथड एंड अनदर इज कॉल्ड एज एनारोबिक मेथड। तो आपको ये बताना है कि इंडिया में जो हम लोग बेटा एरोबिक मेथड यूज करते हैं, उस एरोबिक मेथड को क्या बोलते हैं, सब लोग बताइए। एक होता है एनारोबिक मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन, एक होता है आपका एरोबिक मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन। तो इंडिया में जो हम लोग बेटा एरोबिक मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन यूज करते हैं, उस मेथड को क्या बोलते हैं, नागपुर मेथड, दिल्ली मेथड, इंदौर मेथड या बेंगलोर मेथड। तो बेटा आपको ये बात याद रखनी है, आपको ये बात दिमाग में घुसा लेनी है कि हमारा जो दो तरीके के मेनली जो मेथड्स यूज होते हैं, एक तो होता है बेंगलोर मेथड, एक होता है इंदौर मेथड। जो हमारा बेटा बेंगलोर मेथड है, ये बेटा एक एनारोबिक मेथड है। बेंगलोर मेथड क्या है, एक हमारा एनारोबिक मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन है, और इंदौर मेथड जो है वो बेटा एरोबिक मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन है। तो पूछ रहा है एरोबिक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज इंदौर। इंदौर मेथड इज द एरोबिक मेथड ऑफ कंपोस्टिंग प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। फिर देखो सवाल आ गया, कह रहा है बेंगलोर मेथड एंड इंदौर मेथड ऑफ डिस्पोजिंग सॉलिड वेस्ट आर आइडेंटिकल। बेंगलोर मेथड और इंदौर मेथड जो कि सॉलिड वेस्ट को डिपोज करने वाले मेथड एंड कंपोस्टिंग करने वाले मेथड्स हैं, ये दोनों आइडेंटिकल होते हैं, गलत बात है। डिफरेंट एज बेंगलोर मेथड इज ए एनारोबिक मेथड। Different as Bangalore does not contain human excreta, गलत बात है। Different as Indore method is the incineration method, नहीं composting method है ये। तो Bangalore method जो है एक anaerobic method है, और Indore method क्या है, एक aerobic method है। तो यही एक दोनों में difference है, तो 83 का answer हो जाएगा आपका B।
राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 83 वुड बी, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 करेंगे सभी लोग, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 84 करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द टर्म पायरोलिसिस। मैंने आपको बताया था कि एक होता है इंसिनरेशन, एक होता है इंसिनरेशन और एक होता है पायरोलिसिस। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक के केस में हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, इंसिनरेशन में हमारी क्या है ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, और हमारी बेटा पायरोलिसिस में क्या होती है ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। बस ये डिफरेंस है। इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तो वेस्ट आपका खूब बर्न करता है, खूब जलता है। इस केस में ऑक्सीजन की एब्सेंस के कारण वेस्ट ठीक से आपका जल पाता नहीं है। यही आपका दोनों में एक डिफरेंस है ना। पायरोलिसिस को लगभग 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेटा हीट अप कराते हैं। उसकी इंटरनल हीटिंग के कारण फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं, उन फिजिकल और केमिकल चेंजेस से ही आपका वेस्ट डिकम्पोज हो जाता है। समझ पा रहे हैं क्या ये बात? तो पहला स्टेटमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द टर्म पायरोलिसिस, सॉलिड वेस्ट इज हीटेड इन ए क्लोज्ड कंटेनर इन ए ऑक्सीजन फ्री एटमोसफियर। सही बात है, सॉलिड वेस्ट को हम हीट करते हैं किस टेम्परेचर पर, लगभग 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस पर हम हीटअप करते हैं, एक क्लोज्ड कंटेनर में हीटअप करते हैं ताकि वहां पर कोई भी ऑक्सीजन ना हो। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू अबाउट द पायरोलिसिस। और पायरोलिसिस में क्या होता है, बहुत सारी हीट निकलती है। पायरोलिसिस में क्या होता है, जितनी आप हीट दे रहे हैं ना उससे ज्यादा हीट निकलती है, इसीलिए पायरोलिसिस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन इंसिनरेशन में भी हीट निकलती है इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, लेकिन जितना आप हीट दे रहे हैं उससे कम हीट निकलती है, इसलिए हम ओवरऑल बोलते हैं इंसिनरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है लेकिन पायरोलिसिस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसीलिए पायरोलिसिस से निकलने वाली मीथेन जिसके अंदर एक हीटिंग कैपेसिटी होती है उसको हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं। बायोगैस में मेनली कौन है, बायोगैस में मेनली मीथेन ही तो है। उसके पास बेटा बहुत सारी हीट अप एनर्जी होती है और उस एनर्जी को हम टर्बाइन को चलाने में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज कर सकते हैं। तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्या, पढ़िए जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 85, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पायरोलिसिस। पायरोलिसिस के रिगार्डिंग आपको कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनके आपको आंसर बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉल, अभी हमने जो सारी बातें बताई थी अगर आपको बातें वो सुनी हो तो आप इस क्वेश्चन को भी बता सकते हैं। क्या, इट इज द इररिवर्सिबल केमिकल चेंज। दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं, एक होती है रिवर्सिबल और एक होती है इररिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब आपने प्रोडक्ट किया, आपका रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट रिएक्शन हुई, आपस में जितने भी रिएक्टेंट थे उनकी रिएक्शन हुई और उन रिएक्टेंट की रिएक्शन से क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। अब ये प्रोडक्ट वापस जो है आपका रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर पीएच चेंज करने पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाए और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो जाए, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन अगर रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट केवल प्रोडक्ट में चेंज हुआ है, वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में नहीं चेंज होने वाला है, मतलब ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन। तो पायरोलिसिस वो है एक इररिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें केमिकल चेंजेस होते हैं, किसके द्वारा, बाय द एक्शन ऑफ हीट, किसकी एब्सेंस में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर इन ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारे क्या होता है, हमारा एक केमिकल रिएक्शन होता है, उसी को हम लोग बेटा पायरोलिसिस कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो आपका परफेक्टली सही है। उसके बाद दूसरा क्या, द रेंज ऑफ टेम्परेचर इज 500 डिग्री सेल्सियस टू 1000 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर की रेंज होती है वो 500 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस होती है। द रेंज ऑफ टेम्परेचर इज
500 डिग्री सेल्सियस टू 1000 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट है द इंटरनल हीटिंग कॉजेज द ऑर्गेनिक मैटर टू डिकम्पोज फिजिकली एंड केमिकली रेदर देन बर्न. जो इंटरनल हीटिंग जो प्रोड्यूस आपने करी है वो क्या करती है, ऑर्गेनिक मैटर को फिजिकली और केमिकली बर्न करती है, है ना, फिजिकली और केमिकली डिकम्पोज करती है, केमिकली और फिजिकली डिकम्पोज करती है. एज इंसिनरेशन में क्या होता है, ये चीज जलती है, लेकिन आपका पायरोलिसिस में चीजें जलती नहीं है. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. ये एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. यस, एक्सोथर्मिक का मतलब हीट का निकलना, इसमें बहुत सारी हीट निकलती है, सही बात है. ये एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें मीथेन गैस निकलती है, बहुत सारे एनर्जी निकलती है. तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, सही. तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट सही है. तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ए. 85 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए. द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 85 विड बी. समझ पा रहे हैं, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग डेटा पर्टेन्स टू द सीवेज सैंपल. द फॉलोइंग डेटा पर्टेन्स टू द सीवेज सैंपल, सीवेज सैंपल, इनिशियल डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, फाइनल डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, और आपको डाइल्यूशन दे रखा है 1% का. तो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, देखो 1% डाइल्यूशन का मतलब क्या है, तो आपका डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन मैं आपको समझाना चाहता हूं. देखो अगर डाइल्यूशन 1% है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1/100, परसेंट तो 1/100 होता है. इसका मतलब आपने 1 ml आपने अनडाइल्यूटेड सीवेज लिया, उसमें आपने 99 ml क्या किया, डिस्टिल्ड वाटर बना डाला, और उसको मिक्स करके आपने एक डाइल्यूटेड सैंपल बनाया, कितने ml का, 100 ml का. तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल, ये है वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सीवेज सैंपल. तो डाइल्यूशन फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो होता है वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल, डाइल्यूटेड सीवेज सैंपल. मतलब जो आपका अनडाइल्यूटेड सीवेज सैंपल था उसमें आपने क्या किया, कितना पानी मिलाकर उसको डाइल्यूट किया. तो DF होता है वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सीवेज सैंपल divided by volume of undiluted sewage sample. तो dilution factor volume of diluted sewage sample कितना है, 100 divided by 1, तो dilution factor आ जाएगा आपका 100, dilution factor 100. तो अगर हम BOD 5 दिन के निकालें, BOD आपकी 5 दिन की निकालें, तो ये BOD कितनी आती है, that is equal to initial dissolved oxygen minus final dissolved oxygen और मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, डाइल्यूशन फैक्टर से. तो इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन कितनी है बेटा, दैट इज 10, फाइनल डिजॉल्व ऑक्सीजन है आपकी 2, मल्टीप्लाई कर देंगे डाइल्यूशन फैक्टर से, डाइल्यूशन फैक्टर है कितना, 100. तो ये वैल्यू आ जाएगी आपको 800 मिलीग्राम पर लीटर, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 800 मिलीग्राम पर लीटर इज द करेक्ट आंसर. तो 86 का आंसर हो जाएगा आपका डी. द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 86 वुड बी. समझ पा रहे हैं क्या. मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ बढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ बढ़ना है. कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एसोसिएटेड विद द वाटर पॉल्यूशन पैरामीटर्स. जो वाटर पॉल्यूशन पैरामीटर्स है उनके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो आपको बताने हैं. पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट ये है, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट द वन ऑफ द प्राइमरी इंडिकेटर्स ऑफ द डिग्री ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. कह रहा है अगर आपका जो है, अगर आपका सीवेज के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, इफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द सीवेज इज मोर, अगर पानी के अंदर सीवेज के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा
उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा उसके अंदर इंप्योरिटी होगी। तो प्राइमरी इंडिकेटर, क्योंकि जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको और ऑक्सीजन चाहिए होगी डिकम्पोज होने के लिए, तो बीओडी उतनी ही ज्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक मैटर, बीओडी कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक मैटर की कंसेंट्रेशन बताती है। तो जितना ज्यादा बीओडी होगी उतना ऑर्गेनिक मैटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी और वो वेस्ट उतना ही खराब होगा। तो केवल और केवल ऑर्गेनिक मैटर या बीओडी की कंसेंट्रेशन से आप ये बता सकते हैं कि आपका जो है डिग्री ऑफ पॉल्यूशन क्या होगा। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट है टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड आर द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। सही बात है, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो बता रहा है कि पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर कार्बन की फॉर्म में कितना है। समझ आ रही बात? जैसे C6H12O6 है तो C6H12O6 में कार्बन का कंटेंट कितना है। द कार्बन कंटेंट इन द ऑर्गेनिक मैटर इंडिकेट्स द टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, दैट इज TOC। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये बताती है कि पानी के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर हो चाहे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर हो, उसको केमिकली डिकम्पोज करने में कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। जितना ज्यादा बेटा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो कहीं ना कहीं सीओडी जो है वो बेटा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स की क्वांटिटी को बताएगी। फिर आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बताता है कि हमारे पानी में जो भी आपके बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स को डिकम्पोज करने के लिए, उन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया को कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता है। बायोकेमिकल का मतलब बायोकेमिकली बायोलॉजिकली होगा, दैट इज बैक्टीरिया को कितनी जरूरत है। जितने ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, उतना ज्यादा बीओडी होगी। तो ये तीनों जो है वो किसी भी वाटर पॉल्यूशन को इंडिकेट करने के लिए, दर्शाने के लिए, पता लगाने के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर्स हैं। तीसरा स्टेटमेंट है जनरली टीओसी इज ग्रेटर देन सीओटी। ऑब्वियस ही बात है, सबसे ज्यादा होगा टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, फिर होगी सीओटी और सीओडी, उसके बाद होगी बीओडी। तो इसके तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ए। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा आपका ए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है? 2% सॉल्यूशन ऑफ ए सीवेज सैंपल इज कैप्ड एट ए इनक्यूबेशन टेम्परेचर ऑफ 20°C। If the initial dissolved oxygen and the final dissolved oxygen values after 5-day incubation period are 8.5 and 5.5 respectively, then the BOD. देखो ये सवाल जो है पीछे की तरह है। पहले dilution 1% था, इस बार dilution 2% हो गया। तो इसका मतलब अगर dilution factor आप निकालेंगे तो dilution factor क्या होगा बताओ? 2/100 लिख सकता हूँ इसे क्या? इसको 2/100 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब volume of diluted sample कितना आ जाएगा? Dilution factor क्या पढ़ा था? वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सीवेज सैंपल और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सीवेज सैंपल। बहुत बढ़िया। तो अगर 2% को लिखूंगा तो 2/100 लिख सकता हूं। इसका मतलब 2 ml आपने बेटा सीवेज लिया अनडाइल्यूटेड और उसमें आपने 98 ml पानी मिलाया और बनाया 100 ml आपने, 100 ml आपने डाइल्यूटेड सीवेज बनाया। तो डाइल्यूशन फैक्टर क्या हो जाएगा? डाइल्यूशन फैक्टर हो जाएगा आपका बेटा कितना? दैट इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 50। समझ पा रहे हैं? तो बीओडी कैसे निकालेंगे? बीओडी इज इक्वल टू इनिशियल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन माइनस फाइनल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, इनिशियल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन माइनस फाइनल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन और मल्टीप्लाइड बाय द डाइल्यूशन फैक्टर। वेरी गुड। तो इनिशियल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन आपको दे रखी है 8.5, इनिशियल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन 8.5, फाइनल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन 5.5, मल्टीप्लाई कर देंगे डाइल्यूशन फैक्टर 50 से तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 150 मिलीग्राम पर लीटर। तो आपको बीओडी 5 दिन की कितनी आ जाएगी? 150 मिलीग्राम। समझ पा रहे हैं? The value of BOD comes out to be
तो ये वैल्यू आ गई 150 मिलीग्राम पर लीटर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है फॉर ए वेस्ट द 5 डे बीओडी एट 20 डिग्री सेल्सियस इज फाउंड टू बी 200 मिलीग्राम पर लीटर, फॉर द सेम वेस्ट 5 डे बीओडी एट 30 डिग्री सेल्सियस विल बी। तो आपसे क्या बोल रहा है, आपसे ये बोल रहा है कि एक वेस्ट है ना, 5 दिन की बीओडी आपको 20 डिग्री सेल्सियस में दे रखी है, हाँ जी, तो आपको एक वेस्ट दे रखा है और उस वेस्ट की 5 दिन की बीओडी 20 डिग्री सेल्सियस पर दे रखी है और वो दे रखी है 200 मिलीग्राम पर लीटर। कह रहा है वेस्ट सेम ही है तो 5 दिन की बीओडी बतानी है लेकिन 30 डिग्री सेल्सियस पर बनानी है। तो देखो अगर हम टेम्परेचर का प्रभाव आपको दिखाएं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बीओडी, देखिए यहां पर अगर आपकी बात करें तो यहां पर अगर हम बात करें तो वाई एक्सिस पर है आपका बीओडी, वाई एक्सिस पर आपकी है बीओडी, दिस इज बेसिकली द बीओडी, और x एक्सिस पर है आपका टाइम, दिस इज बेसिकली द टाइम। तो अगर मैं 20 डिग्री सेल्सियस पर आपको डायग्राम बनाऊं तो 20 डिग्री सेल्सियस पर बीओडी क्या होती है, बीओडी कुछ इस तरीके से इंक्रीज होगी। तो ये आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल गई बीओडी की, दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज अल्टीमेट बीओडी। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अल्टीमेट बीओडी, इसको बोलते हैं हम लोग इस सैंपल की अल्टीमेट बीओडी। ये किस टेम्परेचर पर है, 20 डिग्री सेल्सियस पर, बहुत बढ़िया। अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो जो हमारा कर्व है वो बाएं की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, मतलब ये अगर 20 डिग्री सेल्सियस पर है तो आपको 30 डिग्री सेल्सियस पर आपको कर्व कैसा मिलेगा, 30 डिग्री सेल्सियस पर आपको कर्व कुछ ऐसा मिलेगा, मतलब अल्टीमेट बीओडी तो उतनी होगी लेकिन वो जल्दी अचीव हो जाएगी, कम समय में अचीव हो जाएगी। तो ये अचीव हो गई कम समय में, समझ पा रहे हैं। तो अब ये बोल रहा है कि बताओ ये किस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 30 डिग्री सेल्सियस, अभी कह रहा 5 दिन की बीओडी आपको 200 दे रखी है 20 डिग्री सेल्सियस पर। देख लेते हैं भाई साहब कि 5 दिन, मान लो ये 5 दिन है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल दीज आर द 5 डेज, तो मैंने मान लिया ये 5 दिन है और 5 दिन की बीओडी आपको कितनी दे रखी है, अगर आप यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो ये है आपका 5 डेज, दिस इज 5 डेज, तो 5 दिन की बीओडी आपको 20 डिग्री सेल्सियस पर कितनी दे रखी है, यही तो होगी, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 200 मिलीग्राम पर लीटर। तो 30 डिग्री सेल्सियस पर बीओडी कितनी आएगी, 30 डिग्री सेल्सियस पर बीओडी क्या इतनी आएगी, जो कि बेटा 200 से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बेटा अल्टीमेट बीओडी तो क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं अल्टीमेट बीओडी कांस्टेंट रहती है, और किसी भी समय पर जो बीओडी मिलती है वो कम टेम्परेचर की तुलना पे ज्यादा टेम्परेचर पर ज्यादा मिलती है। क्यों, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बेटा क्या होगा, आपका केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कभी मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको समझ आएगा, होता क्या जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एकदम बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं, है ना, इनर्जेटिक हो जाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर। जैसे तो एक एग्जाम्पल देता हूं आपको मैं, फॉर एग्जाम्पल दो तरीके की शादियां हो रही है, फॉर एग्जाम्पल कहीं शादी हो रही है और लोग आराम से खा रहे हैं, अभी माहौल बिल्कुल सेम है, टेम्परेचर बिल्कुल सही है और लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, अभी आराम से लोग खाना खा रहे हैं, वो मतलब जो भी खाना है उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, जो भी खाना है शादी में वो लोग खा रहे हैं, लेकिन अचानक अगर माहौल बढ़ गया, अचानक अगर टेम्परेचर बढ़ गया, किसी ने एक खबर उड़ा दी कि भाई साहब खाना खत्म होने वाला है, तो जैसे ही कोई बोलेगा खाना खत्म होने वाला है तो कहीं ना कहीं बेटा उस शादी के अंदर जो लोग हैं उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर मतलब उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, अब वो वही खाना क्या करेंगे, जल्दी 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 खाएंगे। तो खाना तो उतना ही है, खाना तो बेटा उतना ही है, बीओडी तो उतनी है, अल्टीमेट बीओडी तो उतनी है, लेकिन टेम्परेचर कम पर वो आराम आराम से खा रहे थे, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा वो जल्दी जल्दी खाने लगे। तो बेटा जब टेम्परेचर आप बढ़ा देते हैं तो जो अल्टीमेट बीओडी है, जो अल्टीमेट ऑर्गेनिक मैटर को खाने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, अल्टीमेट खाना खाने के लिए जो आपको ऑक्सीजन चाहिए, वो तो बेटा बराबर ही होती है, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो लोग या बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को जल्दी 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 खाते हैं, इस कारण से ज्यादा ऑक्सीजन खर्च होती है, इस कारण से किसी भी समय पर आपको ज्यादा बीओडी प्राप्त होती है, समझ पा रहे हैं क्या। तो इसीलिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपको बेटा किसी भी टेम्परेचर पर बीओडी जो मिलेगी
वो आपको बेटा 200 से ज्यादा मिलेगी, लेकिन अल्टीमेट बीओडी दोनों की क्या होगी, सेम होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अल्टीमेट बीओडी 5 दिन की क्या मिलेगी, 200 से ज्यादा मिलेगी, तो 89 का हो जाएगा आपका बी। ओके चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। तो यहां पर मैं आपको यहां नोट की फॉर्म में लिख देता हूं एक दो बात। पहली बात हमेशा याद रखना, पहली बात पहला नोट, अल्टीमेट बीओडी ऑफ एनी सीवेज सैंपल, अल्टीमेट बीओडी ऑफ एनी सीवेज सैंपल, अल्टीमेट बीओडी ऑफ एनी सीवेज सैंपल does not depend upon temperature. अल्टीमेट बीओडी कभी भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ओके ये बात आपको पता भी होगी, नहीं पता तो आज सीख लीजिए। फिर क्या, अगर as the temperature increases biological activity will increases बढ़ाएंगे तो बैक्टीरिया का ऑर्गेनिक मैटर को खाने की जो स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी। biological activity will get increases so the BOD at any time t will also increases। तो किसी भी समय की BOD भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। समझ आ रही है? तो as the temperature increases the biological activity will increases, so the BOD at any time will also get increases। okay so moving forward to the next question। देखो सवाल आ गया, जो मैंने नोट लिखाया था उसी पे सवाल आ गया, फटाफट से कर देंगे। कह रहा था अल्टीमेट बीओडी वैल्यू ऑफ ए वेस्ट, कोई भी आपका सीवेज वेस्ट है उसकी अल्टीमेट बीओडी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है, गड़बड़ बात है। टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करती है, गलत बात है। तीसरा है इट विल रिमेन सेम एट ऑल द टेम्परेचर, सारे के सारे टेम्परेचर पर यह हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 90 का सी। तो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 90 वुड बी सी। ओके मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 91, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 91, कह रहा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज द ऑर्गेनिक मैटर इन द वेस्ट वाटर यूज्ड एज ए फूड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कह रहा है इनमें से कौन से टेस्ट में, कौन सा ऐसा टेस्ट होता है जिसमें वेस्ट वाटर के अंदर उपस्थित जो ऑर्गेनिक मैटर है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एक फूड होता है, और वो टेस्ट कौन सा होता है, बीओडी। हम ऑर्गेनिक मैटर को फूड और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाना वाला बनाकर पानी के अंदर से ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करने में जितनी डिसॉल्वड ऑक्सीजन खर्च होती है उसको निकालकर बीओडी निकाल लेते हैं। तो बीओडी टेस्ट में हम लोग ऑर्गेनिक मैटर को वेस्ट वाटर के अंदर उपस्थित फूड मानते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाने वाला। तो 91 का जो आंसर आ जाएगा, द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 91 विल बी, क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर क्या आ जाएगा, द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 91 विल बी ए। ओके चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 92, देखिए बड़ा प्यारा सवाल है। सवाल क्या है, a certain waste has a BOD of 162 milligram per liter and its flow is 1000 cubic meters per day. If the domestic sewage has a BOD of 80 gram per capita, then the population equivalent of the waste would be. तो आपसे कह रहा है population equivalent निकालो, और population equivalent क्या होता है बेटा, population equivalent क्या होता है, that is BOD, population equivalent होता है BOD of whole waste, BOD of total waste, जो total waste है उस total waste की total BOD divided by किसना, divided by BOD of 1%, 1% की BOD।
तो बेटा आपकी जो बीओडी जनरेट हो रही है वो 1 लीटर में 162 मिलीग्राम बीओडी जनरेट हो रही है, और बेटा पानी है कितना 100 मीटर क्यूब है, तो अगर हम निकालें टोटल बीओडी कितनी होगी तो 162 इंटू 10^-3 ग्राम पर लीटर मल्टीप्लाइड बाई 1000 मीटर क्यूब पर डे, यानी 1000 और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर पर डे, या सो नो ठीक है, तो देखो लीटर से लीटर कट जाएगा ठीक है, और डिवाइड करेंगे बीओडी ऑफ 1%, 1% की बीओडी क्या है, 1% की बीओडी है आपकी 80 ग्राम पर कैपिटा पर डे, तो पर ग्राम कर ग्राम पर डे से ग्राम पर डे कट जाएगा, कैपिटा ऊपर जाएगा, 10^-3 से 10^ ये 3 कट जाएगा, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 162 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 80, तो ये जो वैल्यू आ रही है पॉपुलेशन इक्विवेलेंट वो आ रही है बेटा 2025, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारी आ रही है बेटा 2025, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट आ जाएगा सी 2025। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर बताएंगे, टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 93। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द कंपैरिजन ऑफ द अल्टीमेट बीओडी सीओडी थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड 5-day बीओडी इज, सो सबसे ज्यादा कौन सी होती है, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, थ्योरेटिकली निकालते हैं स्टाइक्योमेट्री के द्वारा, फिर सीओडी होती है क्योंकि सीओडी बेटा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों को कंसिडर करती है, फिर दोनों बची बीओडी, बीओडी तो करती तो बायोडिग्रेडेबल की, लेकिन 5 दिन की बीओडी ऑब्वियस सी बात है अल्टीमेट बीओडी की तुलना में तो कम ही होगी, 5 दिन में कम ऑक्सीजन खर्च होगी एज कंपेयर टू अल्टीमेट बीओडी इनफाइनाइट समय में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा THOD, फिर COD, फिर बीओडी अल्टीमेट, फिर बीओडी 5, तो 93 का आंसर हो जाएगा आपका सी, द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 93 वुड बी सी। बात समझ आई क्या, क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा आपका सी, द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 93 वुड बी सी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ मूव करते हैं, कह रहा है सर्टेन वेस्ट हैज ए बीओडी ऑफ 162 मिलीग्राम पर लीटर एंड इट्स फ्लो इज 1000 मीटर क्यूब पर डे, इफ द डोमेस्टिक सीवेज हैज ए बीओडी ऑफ 80 ग्राम पर कैपिटा देन द पॉपुलेशन इक्विवेलेंट ऑफ द वेस्ट। देखो अभी मैंने आपको पॉपुलेशन इक्विवेलेंट पढ़ा दिया ना, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट का मैंने फॉर्मूला क्या बताया, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट का मैंने फॉर्मूला बताया कि टोटल वेस्ट की टोटल बीओडी है ना, बीओडी ऑफ टोटल वेस्ट, अच्छे ध्यान से सुनेंगे, टोटल बीओडी पूरे के पूरे वेस्ट की टोटल बीओडी डिवाइडेड बाई बीओडी ऑफ 1%, बहुत बढ़िया, तो बीओडी ऑफ टोटल वेस्ट कितना हो जाएगा, दैट इज 162 इंटू, देखो ग्राम में दे रखी है तो 10^ ये तो सवाल रिपीट हो गया अभी, तो यही तो सिमिलर सवाल था, इसका आंसर 2025 आ जाएगा, तो हमने कर लिया बेटा सवाल, इसको करने की जरूरत ही नहीं, रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, एक क्वेश्चन देखिए, एक सेकंड देखते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 8 में से 5 गए 3 बचे, 3 में 3 को मल्टीप्लाई करा दे, आठ में से 2 गया 6 और 6 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे क्या 900 आ जाएगा, यहाँ ये सवाल थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं, ये सेम नहीं है,
चलिए आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या आएगा। कह रहा है वेस्ट वाटर सैंपल ऑफ 2 ml इज मेड अप टू 300 ml इन ए बीओडी बॉटल विद अ डिस्टिल्ड वाटर। इनिशियल डिसॉल्वड ऑक्सीजन इज 8 एंड आफ्टर 5 days ऑफ इनक्यूबेशन डिसॉल्वड ऑक्सीजन इज दिस। तो बीओडी बताना है, तो डाइल्यूशन फैक्टर कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल कितना बनेगा 300 और अनडाइल्यूटेड सैंपल आपने कितना लिया 2 ml, तो डाइल्यूशन फैक्टर आ गया आपका 150। तो 5 दिन की बीओडी कैसे निकालेंगे, 5 दिन की बीओडी इज इक्वल टू इनिशियल डिसॉल्वड ऑक्सीजन कितना है 8, फाइनल डिसॉल्वड ऑक्सीजन है 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 150 से, तो ये हो गया 6 × 150, तो ये आंसर आ गया आपका 900 मिलीग्राम पर लीटर। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 900 मिलीग्राम पर लीटर। राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 95 वुड बी, क्वेश्चन नंबर 95 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका बी, दैट इज 900 मिलीग्राम। ठीक है, आज समझ में आई होगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ, पढ़िए फटाफट से और इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करिए, फटाफट से पढ़िए और इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन है आपका, कह रहा है क्वेश्चन है आपका मैच लिस्ट वन, क्वेश्चन है आपका मैच लिस्ट वन, मैच लिस्ट वन जो कि इक्विपमेंट्स हैं विद द लिस्ट टू जो कि पैरामीटर्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। आपको सही कोड चूज करना है। पहला है टिंटोमीटर, फिर है नेफ्लोमीटर, फिर है इमोफोन, फिर है मफल फर्नेस। तो टिंटोमीटर की मदद से हम क्या निकालते हैं, कलर निकालते हैं। नेफ्लोमेट्री की मदद से टर्बिडिटी निकालते हैं। इमोफ कोन से हम क्या निकालते हैं, इमएफ कोन से हम निकालते हैं बेटा सेल्टेलेबल सॉलिड्स, और मफल फर्नेस से हम लोग क्या निकालते हैं, दैट इज वोलेटाइल सॉलिड्स। तो बेटा ए का तो हो जाएगा आपका, ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 4, डी का हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर आ जाएगा डी। द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 93 वुड बी, समझ आ रही है बात। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर बताइए, टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 97। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस नाइट्रेट्स इन द रिवर वाटर इंडिकेट्स, व्हाट डज द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस नाइट्रेट्स इन द रिवर वाटर इंडिकेट्स। पहला स्टेटमेंट है रिसेंट पॉल्यूशन ऑफ द वाटर विद सीवेज, पास्ट पॉल्यूशन ऑफ द वाटर विद सीवेज, इंटरमीडिएट पॉल्यूशन ऑफ वाटर विद द सीवेज, नो पॉल्यूशन ऑफ वाटर विद द सीवेज। देखो नाइट्रोजन जो है वो पानी में 4 forms में अवेलेबल होती है। पहला फॉर्म होता है, द फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड एज फ्री अमोनिया। व्हेन दिस फ्री अमोनिया रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक मैटर देन इट फॉर्म्स, व्हेन दिस अमोनिया रिएक्ट विद ऑर्गेनिक मैटर विद ए वीक बॉन्ड
When this free ammonia reacts with organic matter with a free weak bond, then it forms organic ammonia. Now this organic ammonia will decompose, and this organic ammonia will decompose. Then the intermediate state will form, that is called as nitrites. Nitrites are the unstable or very reactive components, and these nitrites will get converted into nitrates. Nitrates are the most stable form of the nitrogen. So, agar for example, nitrates pani ke andar available hai, iska matlab nitrogen ki sabse stable form available hai. Aur wo nitrogen ki stable form tabhi available hogi, jab beta aapka pani ya sewage bahut lambe samay pehle aapne enter kiya hoga. So, the recent pollution of the water with the sewage indicates the free ammonia, and the past or old pollution of the sewage into the water indicates the nitrates. Nitrates बताते हैं past pollution और ammonia बताता है आपका recent pollution. तो इसका answer हो जाएगा आपका B. 97 का answer हो जाएगा आपका B. So what is the presence of excess nitrates in the river indicates? The excess nitrates in the river indicates the past pollution of the water in the sewage. और अगर ammonia होगा तो ammonia will indicate the recent pollution. Ammonia क्या बताएगा? Ammonia बेटा recent pollution को बताता है. ठीक हो गई बात. चलिए क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ बढ़ें. मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 98. What is the theoretical oxygen demand of 300 milligram per liter of glucose? So, देखिए glucose जो है उसका formula होता है बेटा C6. Glucose का formula होता है C6H12O6. When C6H12O6 will get oxidized in the presence of oxygen, it will form CO2. It will form CO2 plus H2O. It will form CO2 plus H2O. तो यहाँ पर 6 है. तो यहां पर 6 से मल्टीप्लाई कर दो. यहां 6 दूनी 12, यहां पर 6 दो 8, तो यहां पर ऑक्सीजन है 12, तो यहां से 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया 18 हो गए. तो यहां से 6 से मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12 18 बैलेंस हो गया. इसका मतलब 1 मोल ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्स 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं यहां पर, one mole of glucose requires six moles of oxygen. Yes or no? So 1 mole of glucose किसके बराबर होगा? That is equal to molecular weight. Molecular weight निकालेंगे तो इसका कितना आएगा? 180. मैं लिख सकता हूं एक 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का मतलब 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्स 6 into 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. यस और नो? तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्स 6 into 32 divided by 180 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. ऐसा लिख सकते हैं क्या? आज समझ आ रही है क्या? तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 1 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ग्लूकोज 1 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्स 6 into 32 divided by 180 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ऑक्सीजन. ऐसा लिख सकते हैं क्या? बहुत बढ़िया. तो आपका ग्लूकोज का अमाउंट कितना है? 300 मिलीग्राम पर लीटर. तो 300 मिलीग्राम पर लीटर को आपको थ्योरेटिकली कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी? तो 300 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्स 6 into 32 divided by 180 multiplied by 300 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ऑक्सीजन. ऐसा लिख सकते हैं या सुनो? तो आपको ऑक्सीजन कितनी चाहिए?
आपको जो ऑक्सीजन चाहिए वो इतनी चाहिए, और यही हो जाएगी थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड 300 ml 300 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ग्लूकोज के लिए हो जाएगी 6 × 32 मल्टीप्लाइड बाई 300 डिवाइडेड बाई 180। कितनी आ रही है वैल्यू, सॉल्व कर लीजिए। ये वैल्यू कितनी आ रही है सॉल्व कर लीजिए फटाफट से। ये हो जाएगा 32 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 300 एंड डिवाइडेड बाई 180। तो ये वैल्यू आ रही है बेटा THOT इज इक्वल टू 320 मिलीग्राम पर लीटर। तो THOT की वैल्यू आ जाएगी 320 मिलीग्राम पर लीटर इज द आंसर। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखा जाए, अगर हम यहाँ पर ऑप्शन देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 320। 300 के लिए 300 मिलीग्राम पर लीटर के लिए आपको 320 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होगी। तो 98 का ऑप्शन हो जाएगा बी, द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 98 वुड बी। समझ पा रहे हैं क्या? मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ बढ़ रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है पढ़िए। The below figure shows the BOD curve when the experiment was conducted at 20 degree Celsius. If the experiment is conducted at 30 degree Celsius, then the portion of AB of the curve, पूरा लिख देता हूँ, portion of AB of the curve, ये जो लिखा हुआ है, portion of AB of the curve will shift to the right, will remains unchanged or will get shrink. तो आपको पता ही है, मैंने आपको अभी पीछे भी डायग्राम बनाया कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये कर्व क्या होता है, ये कर्व थोड़ा सा क्या होता है, ये बाएं तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो आपको पीक यहीं पर मिल जाएगी, यहीं पीक मिल गई, और टेम्परेचर बढ़ाओगे और शिफ्ट हो जाएगा। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये हमारा जो कर्व है वो बाएं की तरफ, ये जो पॉइंट बी है वो बाएं की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो 99 का आंसर हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर हो जाएगा आपका ए। तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ बढ़ रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 100। कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट एम्प्लॉयज द फेरोइन इंडिकेटर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट एम्प्लॉयज द फेरोइन इंडिकेटर। पहला क्या है? The first is called as chemical oxygen demand, second is ammonia nitrogen, third is nitrate nitrogen, fourth is fluoride. कह रहा है इनमें से वो कौन सा टेस्ट है जिसमें हम फेरोइन इंडिकेटर यूज करते हैं। तो इनमें से हम लोग जब COD टेस्ट करते हैं ना बेटा, तो जब हम COD टेस्ट करते हैं तो हम जो इंडिकेटर यूज करते हैं दैट इंडिकेटर इज कॉल्ड एज फेरोइन इंडिकेटर। तो इस 10th का आंसर हो जाएगा, द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10th वुड बी, क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर हो जाएगा आपका ए। ओके, समझ आ रही है बात? तो याद रखना इस बात को, क्योंकि फेरोइन इंडिकेटर आपने पहली बार नाम सुना होगा, तो फेरोइन इंडिकेटर हम सीओडी टेस्ट में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ बढ़ रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है इफ द एवरेज सीवेज फ्रॉम ए सिटी इज 195107 × 10⁶ लीटर्स पर डे एंड liters per day and the average 5-day BOD is 300 milligram per liter against a standard 75 milligram per day per capita at 20 degree Celsius, then population equivalent निकालना। तो बेटा population equivalent निकाल लीजिए। अभी मैंने एक सवाल और कराया था जिसमें 2025 आंसर आया था। तो population equivalent क्या होता है कि total BOD divided by 1% की BOD डिवाइडेड बाई 1% की BOD। तो टोटल BOD कितनी हो जाएगी? टोटल BOD हो जाएगी आपकी, टोटल BOD आपकी हो जाएगी दैट इज इक्वल टू
300 मिलीग्राम पर लीटर मल्टीप्लाइड बाई 95107 into 10 to the power 6 लीटर पर डे, ठीक है, और डिवाइडेड बाई एक इंसान की बीओडी कितनी है 75 मिलीग्राम पर डे पर कैपिटा। तो यहां से बेटा लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, मिलीग्राम और जो है मिलीग्राम पर डे से मिलीग्राम पर डे, तो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट आपकी पॉपुलेशन आ जाएगी कितनी आ जाएगी, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट आ जाएगी आपकी 300 मल्टीप्लाइड बाई 95107 मल्टीप्लाइड बाई तीन, ठीक है, डिवाइड कर देंगे 75 से, तो ये मिलीग्राम में है और ये वैल्यू भी मिलीग्राम में है, 300 मिलीग्राम पर लीटर और ये आपकी 9510 इन 10 टू द पावर 6 लीटर पर डे और ये वैल्यू आपको दे रखी है 75। तो ये जो आंसर आ रहा है, ये आंसर तो बहुत ज्यादा आ रहा है, ये आंसर आ रहा है बेटा इसको 10 की पावर 6 से अगर डिवाइड करें 3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आंसर तो बेटा कुछ ज्यादा ही आ रहा है। इफ द एवरेज सीवेज फ्रॉम द सिटी इज 95107 इनटू 10 टू द पावर 3 लीटर्स पर डे और बीओडी आपको 300 दे रखी है, यहां मिलीग्राम पर डे दे रखी है, मिलीग्राम नहीं होगा यहाँ पर ग्राम होगा क्योंकि बीओडी लगभग 80 ग्राम के करीब होती है, यहाँ बेटा मिलीग्राम नहीं ग्राम होगा, जब यहाँ पर ग्राम होगा तो यहाँ 10 to the power -3 से और मल्टीप्लाई करना, ठीक है, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इसको और डिवाइड करूंगा 10 to the power, तो ये वैल्यू जो अब आएगी वो आएगी 380 × 10^6 तो आपकी जो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट आ जाएगी वो आपकी इतनी आ जाएगी। इसको सही कर लेना, ये वैल्यू 75 मिलीग्राम पर डे नहीं होगी, इसका इसकी जो वैल्यू होगी वो 75 ग्राम पर डे होगी क्योंकि ऑन एन एवरेज 80 होती है, अब क्वेश्चन में 75 दे रखा है, मिलीग्राम तो बहुत कम हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 101 का आंसर हो जाएगा आपका डी, द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 101 इज डी, 101 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, समझ पा रहे हैं इतनी बात। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ, moving forward to the question number 102, question number 102 क्या है, जरा पढ़िए question number 102 में क्या बोल रहा है, कह रहा है consider the following statements, the quality of wastewater is determined on the basis of dissolved oxygen, कह रहा है जो हमारा wastewater की quality है उसको आप dissolved oxygen की presence से निकाल सकते हैं, अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन सफिशियंट है तो इसका मतलब वो पानी जो है अच्छा है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है तो इसका मतलब वो जो वेस्ट है वो जो पानी है वो सेप्टिक है, ऐसा बोला जाता है कि जब डिजॉल्व ऑक्सीजन किसी वेस्ट में जीरो होती है तो उसका कलर ब्लैक हो जाता है एंड सच टाइप ऑफ सीवेज इज कॉल्ड एज सेप्टिक सीवेज और उसकी क्वालिटी बहुत ही खराब होती है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। कह रहा था बीओडी टेस्ट इज बेस्ड ऑन डिजॉल्व ऑक्सीजन, यस हम बीओडी टेस्ट को या बीओडी को हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, बीओडी टेस्ट में भी हम डिजॉल्व ऑक्सीजन ही निकालते हैं इनिशियली और 5 दिन के बाद। लास्ट क्या, डिटरमिनेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन हेल्प इन कंट्रोलिंग द कोरोजन, यस कोरोजन जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन के कारण हो जाता है इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए डिजॉल्व ऑक्सीजन को निकालना जरूरी है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके क्या है सही है, तो 102 का आंसर हो जाएगा आपका, 102 का आंसर हो जाएगा आपका 2। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर बताएंगे सबको,
क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 क्या है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ ए रिवर वाटर। एक रिवर वाटर की बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में आपको दे रखी है। तो पहला बात है द बीओडी रेट कांस्टेंट वेरीज विद द रिवर वाटर टेम्परेचर। कह रहा तो बीओडी जो रेट कांस्टेंट है वो बेटा हाँ, इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी कराया। इस क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन में मिस्टेक है या फिर इन जो स्टेटमेंट्स हैं इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तो इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी स्किप करा रखा था, इस बार भी मैं इस क्वेश्चन को स्किप करा रहा हूँ। उसका कारण ये है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है ऑप्शन की। So we are skipping this question, moving forward to the next question. Question number 104. Question number 104 की तरफ बढ़ रहे हैं। Question number 104 पता है? Question number 104 क्या है? The waste water of a certain large colony contains this much millimoles of OH minus ion. The pH of the sample. तो देखो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें मैं आपको बताता हूँ इसमें आपका क्या एरर है। इसमें जो एरर ये है कि इसमें जो मिली मोल्स है ना ये 10 की पावर 5 दे रखे हैं। ये 10 की पावर 5 नहीं है, ये 10 की पावर माइनस 5.6 है। तो इसको सही करना है। द कंसेंट्रेशन इज 10^-5.6 मिली मोल्स। ठीक है, तो आपका जो है पीएच आपको निकालना है। तो आपको पता है OH माइनस आइन कंसेंट्रेशन और H प्लस आइन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू होता है 10^-14। तो यहां से अगर आप H प्लस आइन कंसेंट्रेशन निकालेंगे तो H प्लस आइन कंसेंट्रेशन हो जाएगी 10^-14 और OH माइनस आइन कंसेंट्रेशन कितनी है 10^-5.6। मल्टीप्लाई करेंगे 10^-3 क्योंकि मिली मोल्स में हमें कंसेंट्रेशन निकालनी होती है मोल्स में। तो ये हो गया 10^-14 और ये हो गया -8 प्लस जाके हो जाएगा 8.6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो H प्लस आइन की कंसेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 4 और 5.4 10^-5.4। तो ये हो गया 8.6 प्लस 4 9, 9, 5, 14। ये H प्लस आइन की कंसेंट्रेशन हो गई। तो यहां से अब आप पीएच की वैल्यू निकालेंगे तो पीएच की वैल्यू होती है आपकी माइनस ऑफ लॉग ऑफ बेस 10 एच प्लस आइन कंसेंट्रेशन। तो यहां से pH is equal to minus of log of base 10 है ना 10^-5.4। इसको नीचे लेके आएंगे तो pH की वैल्यू कितनी आएगी, the value of pH will comes out to be 5.4 तो 104 का आंसर हो जाएगा C। The correct answer of question number 104 is C। तो 104 का आंसर हो जाएगा आपका सी, दैट इज 5.4। 105 की तरफ बढ़ लें, मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 105। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वेस्ट वाटर फ्रॉम ए फैक्ट्री हैविंग ए पीएच ऑफ 10 कंटेन्स केओएच ओनली फॉर द वेस्ट वाटर डिस्चार्ज इज 80 मीटर क्यूब पर डे द टोटल क्वांटिटी ऑफ केओएच पर डे विल नियरली बी। तो आप सुनिए जरा ध्यान से, देखो केओएच किस में टूटता है। अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, ये अच्छा सवाल है। आपको पता है जो केओएच है, this KOH will dissociate into
के प्लस प्लस ओ एच माइनस। तो आपको दिख रहा है कि एक मोल अगर KOH है तो बेटा एक मोल OH माइनस बन रहा है। इसका मतलब अगर आपको OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन पता लग जाए तो आपको ये पता चल जाएगा कितने KOH आपके OH माइनस बन रहे हैं। देखो pH की वैल्यू आपकी 10 है, pH की वैल्यू कितनी है 10, तो pH को क्या लिखेंगे, pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ बेस 10 H प्लस आयन कंसंट्रेशन। pH की वैल्यू 10 है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, That is 10 की पावर माइनस 10। तो OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, That is equal to 10 की पावर माइनस 4, 10 की पावर माइनस 4 मोल्स पर लीटर। मतलब कितने मोल्स हैं, 10 की पावर माइनस 4 मोल्स हैं, जिसकी पावर माइनस 4 मोल्स हैं। ठीक है, बिल्कुल बात सही है। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करके कितनी आ रही है, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करके इतनी आ रही है 10^-4। इसका मतलब जो KOH के मोल्स होंगे, KOH की कंसंट्रेशन कितनी होगी, KOH की कंसंट्रेशन होगी 10^-4, 10^-4 KOH is equal to 10^-4 moles. अब आपको पता है कि जो है moles जो होते हैं वो moles होते हैं weight upon molecular weight। तो अगर मैं आपसे weight निकालूं तो 10^-4 moles is equal to weight in gram divided by molecular weight. Okay, so आपको number of moles दे रखे हैं, you are given with the number of moles is equal to 10^-4। आपको KOH का molecular weight भी पता होना चाहिए, KOH का molecular weight कितना होता है, 39। तो बेटा इसका क्या होता है, इसका molecular mass होता है potassium का, oxygen का होता है आपका 16, hydrogen का होता है 1, तो ये हो गया 56। तो मॉलिकुलर वेट हो गया 56, तो इसका मतलब जो आपका वेट आ गया वो वेट आ गया कितना, दैट इज इक्वल टू 56 इंटू 10^-4 ग्राम्स, इतना आ गया वेट। इसको अगर मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो वेट आ जाएगा 5.6 मिलीग्राम्स, यस और नो, 5.6 मिलीग्राम्स। तो अगर आप कंसंट्रेशन निकालें, सो आप KOH की कंसंट्रेशन निकालें, तो KOH की जो कंसंट्रेशन आएगी वो आ जाएगी आपकी 5.6 मिलीग्राम पर लीटर। KOH की कंसंट्रेशन आ जाएगी 5.6 मिलीग्राम पर लीटर। तो आपको KOH की कंसंट्रेशन आ गई 5.6 मिलीग्राम पर लीटर, एक लीटर में 5.6 मिलीग्राम KOH है, तो भाई साहब डिस्चार्ज जो आ रहा है वो 80 मीटर क्यूब पर डे आ रहा है, तो टोटल QOH पर डे कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको टोटल QOH कितना मिलेगा, टोटल QOH इज इक्वल टू 5.6 into 10^-6 kg per liter multiplied by 80 meter cube per day।
तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80 × 10³ लीटर्स पर डे, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 5.6 मल्टीप्लाइड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई 1000 और बेटा डिवाइडेड बाई 2, 2, 4, 5, 6, तो ये वैल्यू आ गई 0.448 केजी पर डे। यहाँ कोई ऑप्शन है क्या, यहाँ कोई ऑप्शन है, यहाँ सारे ऑप्शन बेटा आपके इसमें हैं, तो कहीं ना कहीं जो है आपका जो देखो इसमें मैं मानता हूँ इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, इसमें आपका जो डिस्चार्ज है देखो बाकी सारी चीजें तो सही है, आपका बेटा कंसंट्रेशन भी सब कुछ सही है, यहाँ जो दिक्कत है वो डिस्चार्ज बेटा अगर आपका 800 होगा तभी आपका ऑप्शन मैच हो पाएगा, अगर आप 80 से करेंगे तो कभी भी आपका ऑप्शन मैच होने वाला नहीं है। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ जो डिस्चार्ज है वो आपका 80 है, जब आप 800 है, जब आप 800 करेंगे तो 10 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4.48 केजी पर डे, वरना तो कोई ऑप्शन मैच ही नहीं होगा। यहाँ पर मिसप्रिंटिंग एक सवाल में ये है, इसमें यहाँ पर जो बेटा आपका जो डिस्चार्ज है वो 800 है ना कि 80, तो उससे आपका KOH का जो अमाउंट आ जाएगा वो 4.5 केजी पर डे आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 4.5 केजी पर डे, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 106 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 करते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल पैरामीटर्स आर एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ द वाटर, इनमें से वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो पानी के अंदर उपस्थित ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक कंटेंट को दर्शाते हैं, एसोसिएटेड हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑर्गेनिक मैटर को बताती है, सही बात है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स को, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर दोनों को बताती है, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन भी बताती है, टोटल ऑक्सीजन डिमांड भी बताती है जिसको हम THOD कहते हैं, तो पहला भी बताता है, दूसरा भी बताता है, तीसरा भी बताता है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 106 इज डी। The correct answer of this question would be D. तो 106 का आंसर हो जाएगा आपका D. तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 107 क्या है? क्वेश्चन नंबर 107 है टोटल ज़ेल्डाल्स नाइट्रोजन कंसंट्रेशन इन द डोमेस्टिक सीवेज इज द सम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, देखो एक तरीके से ज़ेल्डाल्स नाइट्रोजन क्या होती है, ज़ेल्डाल्स नाइट्रोजन इज बेसिकली टोटल ज़ेल्डाल्स नाइट्रोजन दैट इज कॉल्ड एज TKN इज द समेशन ऑफ फ्री अमोनिया, इज द समेशन ऑफ फ्री अमोनिया प्लस ऑर्गेनिक अमोनिया, फ्री अमोनिया और ऑर्गेनिक अमोनिया का जो समेशन होती है उसी को हम बोलते हैं टोटल ज़ेल्डाल्स नाइट्रोजन, इज कॉल्ड एज टोटल ज़ेल्डाल्स नाइट्रोजन, तो टोटल ज़ेल्डाल्स नाइट्रोजन इज द समेशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड फ्री अमोनिया इन द सीवेज, तो 107 का आंसर हो जाएगा आपका सी, द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 107 इज सी। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 108, क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ बढ़ते हैं, मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 108 क्या बोल रहा है, कह रहा है सिंथेटिक सैंपल ऑफ वाटर इज प्रिपेयर्ड बाई एडिंग 100 मिलीग्राम काइलिनाइट जो कि एक किलो मिनरल है, 200 मिलीग्राम ग्लूकोज, 168 NaCl, 120 MgSO4, 111 CaCl2 टू 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर, द कंसंट्रेशन ऑफ टोटल सॉलिड्स फिक्स्ड डिसॉल्व्ड सॉलिड्स रेस्पेक्टिवली इन द सॉल्यूशन, तो देखो सॉलिड्स क्या है, आपने डाला काइलिनाइट मतलब 100 मिलीग्राम, फिर डाला आपने ग्लूकोज मतलब 200 मिलीग्राम, फिर आपने डाला NaCl 168 मिलीग्राम, फिर आपने डाला 120 दैट इज कॉल्ड एज MgSO4, फिर आपने डाला 111 CaCl2, तो
अगर आप देखेंगे यहाँ पर जोड़ेंगे सब, जोड़ने के बाद वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 9, ये आ जाएगा 8 और एक 9, ये हो गया 2, 2, 4 और 6। तो जो टोटल सॉलिड्स आ गए वो आ गए 699 मिलीग्राम पर लीटर। तो इसमें से ये ऑप्शन नहीं होगा और आपका ए सी डी में से हो सकता है। अब आपको निकालने टोटल फिक्स सॉलिड्स। टोटल फिक्स सॉलिड्स क्या होते हैं? टोटल फिक्स्ड डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। तो कौन कौन डिसॉल्व होगा? खाली खाली बेटा काइलोनाइट डिसॉल्व नहीं होगा, बाकी तो सब डिसॉल्व हो सकते हैं। ग्लूकोज भी, NaCl भी, MgSO4, ये सब डिसॉल्व फॉर्म में ही होते हैं पानी के साथ। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ काइलोनाइट नहीं होगा, तो मतलब डिसॉल्व सॉलिड्स, मतलब डिसॉल्व ऑर्गेनिक सॉलिड्स की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 599 मिलीग्राम पर लीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 108 का आंसर हो जाएगा आपका ए। तो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 108 वुड बी, क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर हो जाएगा आपका ए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 109, इफ द BOD5 एट 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ द वेस्ट वाटर इज 150 मिलीग्राम पर लीटर एंड द रिएक्शन कॉन्स्टेंट टू द बेस ई एट 20 डिग्री सेल्सियस इज दिस, देन द अल्टीमेट BOD। तो आपको पता है किसी भी समय की BOD, यू नो दैट द BOD एट एनी टाइम, यू आर वेरी मच अवेयर दैट द BOD एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू अल्टीमेट BOD इज इक्वल टू अल्टीमेट BOD मल्टीप्लाइड बाई 1 - e^-k × t। यही होता है क्योंकि बेस ई पर दे रखा है। तो 5 दिन की BOD आपको दे रखी है। कितने दिन की? 5 दिन की BOD आपको दे रखी है। वो दे रखी है 150 मिलीग्राम पर लीटर। अल्टीमेट BOD आपको निकालनी है। दिस इज अल्टीमेट BOD और मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 1 - e^-k की वैल्यू है 0.35 मल्टीप्लाइड बाई टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना समय? 5 दिन। तो यहां से अल्टीमेट BOD कितनी आ जाएगी? अल्टीमेट BOD विल कम्स आउट टू बी 150 डिवाइडेड बाय 1 - e^-0.35 मल्टीप्लाइड बाय 5। सॉल्व करेंगे और अल्टीमेट BOD बताएंगे कितनी आ रही है। ये हो गया आपका बेटा 2.71 की होल पावर -0.35 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है, और -1, तो ये हो गया 0.825। तो 150 डिवाइडेड बाय 0.825, ये जो अल्टीमेट BOD आ रही है वो आ रही है बेटा 181.8 मिलीग्राम पर लीटर। तो आंसर आ जाएगा इसका कितना? बी। द करेक्ट आंसर ऑफ 109 इज बी। तो 109 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका बिल्कुल सही, 109 का जो आंसर आएगा वो आएगा बी, दैट इज 181.8 मिलीग्राम पर लीटर। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर बताइए। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 1010, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD ऑफ ए सैंपल इज ऑलवेज ग्रेटर देन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड सिंड इज रिप्रेजेंट। कह रहा है COD हमेशा BOD से ज्यादा होती है, क्यों? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हमेशा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से ज्यादा होती है क्योंकि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बेटा ऑक्सीजन की वो डिमांड होती है जो कि बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक को डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बेटा वो डिमांड होती है जो केवल बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड होती है। तो COD तो हमेशा BOD से ज्यादा होता है।
कि सीओडी बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक दोनों को रिप्रेजेंट करता है। सो 110 का आंसर हो जाएगा आपका बी। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 110 इज बी। समझ पा रहे हैं क्या? मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 101, 111 की तरफ बढ़ते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 101, 111 की तरफ बढ़ते हैं। 111 क्या है? इन ए बीओडी टेस्ट 5 ml ऑफ वेस्ट इज एडेड टू 295 ml of aerated pure water. Initial dissolved oxygen DO content of the diluted sample is 7.8 milligram per liter after 5 days of incubation at 20 degrees Celsius. The dissolved oxygen content of the sample is reduced to itna, the BOD of the sample. तो आपसे क्या बोला है कि आपने वेस्ट लिया 5 ml और 295 ml आपने क्या किया, पानी मिलाया, तो बनाया कितना 300। तो इसका मतलब डाइल्यूशन फैक्टर आप निकालेंगे तो डाइल्यूशन फैक्टर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल दैट इज इक्वल टू 300 ml डिवाइडेड बाय 5 ml। तो यहां से BOD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BOD at 5 days is equal to initial dissolved oxygen 7.8 minus final dissolved oxygen that is 4.4 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, that is equal to 300 divided by 5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो BOD आएगी 7.8 minus 4.4 मल्टीप्लाइड बाई 300 डिवाइडेड बाई 5, तो बीओडी आ गई आपकी 204, बीओडी आ गई 204 मिलीग्राम पर लीटर। द वैल्यू ऑफ बीओडी कम्स आउट टू बी 204 मिलीग्राम पर लीटर। तो 111 का आंसर हो जाएगा सी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 101 इज 111 का आंसर हो जाएगा सी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। 112 पढ़िए जरा ध्यान से। 112 क्या है, कह रहा है ए पोर्शन ऑफ वेस्ट वाटर सैंपल वॉज सब्जेक्टेड टू ए स्टैंडर्ड बीओडी टेस्ट वॉज टेकन एज 0.5, द रिएक्शन कॉन्स्टेंट एट अदर टेम्परेचर वॉज एस्टिमेटेड एज दिस, द टेम्परेचर एट विच द अदर पोर्शन ऑफ द सैंपल शुड बी टेस्टेड टू एक्सर्ट द सेम बीओडी इन 2.5 डेज। कह रहा है कि आपने एक वेस्ट वाटर का सैंपल लिया और उस पर स्टैंडर्ड बीओडी टेस्ट किया, 5 दिन का बीओडी टेस्ट किया, 20 डिग्री सेल्सियस पे किया, डीके कांस्टेंट आपका 0.18 है, मतलब ज्यादा है, मतलब बेस ई पर है। तो उसके बाद कह रहा है कि ये आपका 20 डिग्री सेल्सियस पर आपको मिला, द रिएक्शन कांस्टेंट एट अदर टेम्परेचर, अदर टेम्परेचर पर आपको रिएक्शन कांस्टेंट मिला, के टी इज इक्वल टू के 21.047 टी माइनस 20। तो कह रहा है द टेम्परेचर एट विच अदर पोर्शन ऑफ द सैंपल शुड बी टेस्टेड, कह रहा है कि बताओ जो दूसरा सैंपल हमने लिया है जो इसी सेम उसका है, उसका आप टेम्परेचर किस टेम्परेचर पर अगर टेस्ट करें उस दूसरे सैंपल को जो कि सेम वेस्ट वाटर सैंपल का ही सैंपल है, तो वो जो सेम बीओडी दे वो 2.5 दिन में दे दे, और किस टेम्परेचर पर, टी डिग्री सेल्सियस पर। तो आप क्या लिखेंगे, आप यही तो लिखेंगे बीओडी एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ऑफ 5 डेज इज इक्वल टू बीओडी एट टी डिग्री सेल्सियस, और बेटा कितने दिन की, 2.5 डी की। तो अगर आप चाहे 5 दिन में बीओडी 5 दिन की निकालो, चाहे 2.5 दिन के केस के लिए निकालो, तो क्या लिखोगे, दैट इज इक्वल टू अल्टीमेट बीओडी, सैंपल तो सेम है तो अल्टीमेट बीओडी तो सेम होगी, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के, 20 डिग्री सेल्सियस पे के दे रखा है 0.18 और टाइम कितना है बेटा 5 है, तो ये हो गया 0.18 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू अल्टीमेट बीओडी मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी की टेम्परेचर पर मल्टीप्लाइड बाई 2.5 डेज, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, दोनों से अगर आप लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 0.18 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू माइनस के टी मल्टीप्लाइड बाई 2.5। तो इससे ये कैंसिल हो गया, KT is equal to 0.15
मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2.5 डिवाइडेड बाई 2.5 0.18 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2.5 तो केटी की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 0.36। यस और नो? अब आपको ये दे रखा है कि आपको जो किसी भी टेम्परेचर पर के की वैल्यू है उसको कैसे लिख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ के एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू के एट 20 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाई 1.047 मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। तो के टी आपको दे रखा है 0.36, के एट 20 डिग्री सेल्सियस दे रखा है 0.18 मल्टीप्लाइड बाई 1.047 मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस 20 डिग्री। यस और नो? तो यहां से आपकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log of 2 टू द बेस 10 इज इक्वल टू टी माइनस ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस log of बेस 10 1.047। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी 1.047। तो यहां से आप जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टी माइनस 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0.3010 डिवाइडेड बाई आप इसको डिवाइड करेंगे 0.3010 डिवाइडेड बाई log of 1.047 तो ये आ गया 15.09 डिवाइडेड बाई log of बेस 10 1.047। इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आ रही है 15.09, तो इसको इधर ले जाइए तो टेम्परेचर आ जाएगा आपका 35 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब अगर आप ढाई दिन में सेम वीओडी पाते हैं तो आपको पाना चाहते हैं तो आपको बेटा टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा, टेम्परेचर आपको रखना पड़ेगा बेटा कितना, दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी, बात समझ आ रही है क्या? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए। कह रहा है द वॉटर सैंपल्स एक्स एंड वाई फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस वॉज ब्रॉड टू द लेबोरेटरी फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन यूजिंग मॉडिफाइड ब्रिंकलर मेथड। द सैंपल्स वॉज ट्रांसफर्ड टू द 300 ml बीओडी बॉटल्स, 2 ml ऑफ MnSO4 सॉल्यूशन एंड 2 ml ऑफ एल्कली एजाइड रिएजेंट वॉज एडेड टू द बॉटल्स एंड मिक्सड। Sample X developed a brown precipitate, whereas sample Y developed a white precipitate. In reference to these observation, the correct statement is. देखो, आपको मैंने बताया था कि जब भी हम dissolved oxygen sprinklers method के द्वारा निकालते हैं तो एक हम पानी की सबसे पहले sample लेते हैं, उसमें हम dissolved क्या डालते हैं, ऐसा पानी डालते हैं, aerated water डालते हैं। 10 ml लिया हमने waste water, उसमें हमने 200 ml distilled water डाल दिया, 300 ml की BOD bottle बना ली। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर 2 ml MnSO4 सॉल्यूशन डालते हैं, 2 ml हम एल्कली एजाइड रिएजेंट डालते हैं। डालने के बाद पानी के अंदर प्रेसिपिटेट बनना चालू होता है। अगर वो प्रेसिपिटेट वाइट कलर का होता है, अगर वो प्रेसिपिटेट वाइट कलर का बनता है तो वो कहीं ना कहीं MnOH का होल्ड वाइस होता है, तो वो इंडिकेट ये करता है कि पानी के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं है। और अगर प्रेसिपिटेट ब्राउन कलर का बनता है तो वो ये इंडिकेट करता है, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट किसका बनता है, मैग्नीज ऑक्साइड का बनता है। अगर प्रेसिपिटेट MnO का बनता है तो वो ये इंडिकेट करता है कि आपके पानी के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, पानी के अंदर क्या है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है। तो यानी आपका अगर X के अंदर क्या हुआ, ब्राउन प्रेसिपिटेट बना, तो इसका मतलब इसके अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है। Y के अंदर आपका जो प्रेसिपिटेट है वो वाइट बना, इसका मतलब इसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं है। तो यानी एक्स के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, वाई के अंदर डिवाइड ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, मतलब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर हो जाएगा आपका सी। The right answer of question number 103 is C. Okay, चलिए move करते हैं हम next question की तरफ। Moving forward to the question number 1014.
114 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है लिस्ट वन कंटेन्स सम प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ओके, इस क्वेश्चन में भी एक दिक्कत यह है कि यहां पर जो डी ऑप्शन है, यहां जो डी ऑप्शन है वो मिसिंग है, यहां पर जो फोर ऑप्शन है वो मिसिंग है, इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को भी क्या कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस वजह से इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर रहे हैं। ओके, चलिए मूव करते हैं आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10115 की तरफ। 115 मतलब 115 की तरफ। कह रहा है द 2 डे बीओडी एंड 4 डे बीओडी वैल्यूज ऑफ ए सीबीए सैंपल आर 100 मिलीग्राम पर लीटर एंड 155 मिलीग्राम पर लीटर रेस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ बीओडी रेट कांस्टेंट एक्सप्रेस पर डे। कुछ नहीं दे रखा तो बेस ई पर निकाल देंगे। तो आपको 2 दिन की बीओडी दे रखी है, तो आपको क्या दे रखा है, 2 डेज बीओडी दे रखी है। आपको 2 दिन की बीओडी दे रखी है बेटा, कितनी, 100 मिलीग्राम पर लीटर। और आपको बेटा 4 दिन की बीओडी दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 155 मिलीग्राम पर लीटर। तो बेटा 2 दिन की बीओडी को क्या लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू अल्टीमेट बीओडी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के इनटू कितने दिन की बीओडी है। तो बहुत बढ़िया बात हो गई। इसी तरीके से इसको क्या लिखेंगे, अल्टीमेट बीओडी, टेम्परेचर तो सेम ही है, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के मल्टीप्लाइड बाय 4 दिन की बीओडी। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो 155 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 4k डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2k। इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2k मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2k डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2k। इससे ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2k इज इक्वल टू 1.55। यहां से आ गया e टू दी पावर माइनस 2k इज इक्वल टू 0.55, इसकी वैल्यू आ गई 0.55। तो जब इस पे आप दोनों साइड लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2k इज इक्वल टू ln ऑफ 0.55। तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी माइनस ln ऑफ 0.55 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करेंगे तो बताइए कितनी वैल्यू आ रही है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ln ऑफ, ये हो गया ln ऑफ 0.55 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये वैल्यू जो आ रही है आपकी, द वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.2989। द वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.2989 पर डे, 0.2989 पर डे। किसमें मिलेगी, पर डे में मिलेगी। तो इसका आंसर आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप था। आई होप आप इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल आंसर टाइप में पुट करके, ठीक है। चलिए 116 का आंसर सब लोग बताएंगे, 116 भी एक अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से 116 का आंसर सब लोग बताएंगे। टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर बताइए बेटा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर बताएंगे सब लोग। कह रहा है फॉर ए वेस्ट वाटर सैंपल द 3 डे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एट ए इनक्यूबेशन टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस इज एस्टिमेटेड। 3 दिन की बीओडी 20 डिग्री टेम्परेचर पर दे रखी है। कह रहा है टेकिंग द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बीओडी रिएक्शन रेट कॉन्स्टेंट बेस ई पर आपको दे रखा है। कह रहा था 5 डे बीओडी ऑफ द वेस्ट वाटर एट ए इनक्यूबेशन टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस निकालना। 3 डिग्री की बीओडी दे रखी है,
पांच दिन की निकालना है, तो पांच दिन की बीओडी को क्या लिखूंगा, पांच दिन की बीओडी विल टेम्परेचर सेम है तो के तो सेम होगा, दैट इज इक्वल टू अल्टीमेट बीओडी, दैट इज इक्वल टू अल्टीमेट बीओडी वन माइनस ई टू दी पावर माइनस के मल्टीप्लाइड बाई पांच दिन की बीओडी, यही तो दे रखा है, के की वैल्यू आपको दे रखी है, बहुत बढ़िया, चाहो तो के की वैल्यू भी रख दो, के की वैल्यू आपको दे रखी है 0.22 मल्टीप्लाइड बाई 5, और इसी तरीके से अगर आप तीन दिन की बीओडी निकालेंगे तो तीन दिन की बीओडी कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू अल्टीमेट बीओडी, अल्टीमेट बीओडी वन माइनस ई टू दी पावर माइनस 0.22 मल्टीप्लाइड बाई तीन दिन की बीओडी, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू पांच दिन की बीओडी डिवाइडेड बाई तीन दिन की बीओडी विल बी इक्वल टू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 0.22 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.22 मल्टीप्लाइड बाई, समझ पा रहे हैं, ये वैल्यू हो गई आपकी बेटा 5 दिन की बीओडी डिवाइडेड बाई 3 दिन की बीओडी आपको निकालनी, 3 दिन की बीओडी आपको दे रखी है कितनी 200 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 0.22 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई टू दी पावर 0.22 मल्टीप्लाइड बाई 3, सॉल्व करेंगे तो 5 दिन की बीओडी निकाल लेंगे फटाफट से, 5 दिन की बीओडी फटाफट से निकाल के बताएंगे, मैं बताता हूँ आपको कितनी आएगी बेटा 5 दिन की बीओडी, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2.71 टू द पावर माइनस 0.22 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 1, तो ये वैल्यू हो गई 0.666, ये वैल्यू हो गई 0.666 डिवाइडेड बाई 2.71 टू द पावर माइनस 0.22 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है, और माइनस 1, ये हो गया आपका 0.482 और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 200 से, तो इसको सॉल्व करेंगे 0.666 डिवाइडेड बाई 0.482 मल्टीप्लाइड बाई 200, तो जो बीओडी आ जाएगी आपकी 5 दिन की, 5 दिन की जो आपकी बीओडी कैलकुलेट करके आ रही है वो आ रही है आपकी 276.35 मिलीग्राम पर लीटर, तो आपको 5 दिन की बीओडी आ जाएगी 276.35 मिलीग्राम पर लीटर, समझ आ रही बात, चलिए क्वेश्चन नंबर 116 करेंगे फटाफट से, ये भी न्यूमेरिकल है, इसमें भी कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, कोई बात नहीं, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 117 करते हैं, मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 117, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका फटाफट से देखेंगे, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, अल्टीमेट बीओडी ऑफ ए वेस्ट वाटर सैंपल इज एस्टिमेटेड एज 80% ऑफ सीओडी एंड द सीओडी ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज 300 मिलीग्राम पर लीटर, तो आपको बेटा आपको जो दे रखा है वो बेसिकली क्या दे रखा है, यू आर गिवन एज हाँ जी, तो आपको कह रहा है जो अल्टीमेट बीओडी है किसी सैंपल की, जो अल्टीमेट बीओडी है दैट इज अल्टीमेट बीओडी इज इक्वल टू 87% of COD, yes or no? और अल्टीमेट और COD कितनी दे रखी है 300, मतलब अल्टीमेट BOD आ जाएगी 0.87 मल्टीप्लाइड बाई 300, कह रहा है कि आपको जो रेट कांस्टेंट दे रखा है वो बेस E पर दे रखा है, EK की वैल्यू दे रखी है, टेम्परेचर कांस्टेंट दे रखा है, तो कह रहा है आप 27 डिग्री सेल्सियस पर BOD बताइए, कितने दिन की, आफ्टर 3 डेज ऑफ इनक्यूबेशन एट
तीन दिन की बीओडी आपको निकालनी है 27 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपको के चाहिए होगा, तो के एट 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू के एट 20 डिग्री सेल्सियस 1.047 और टी माइनस मतलब 27 माइनस 20 डिग्री, तो के एट 20 डिग्री सेल्सियस कितना, के एट 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0.23 मल्टीप्लाइड बाई 1.047 और ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 27 माइनस 20 मतलब 7। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए द वैल्यू ऑफ k कम्स आउट टू बी 1.047 टू द पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 0.23, तो k एट 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा 0.317, k की वैल्यू आ गई 0.317 ये आ गया। तो आप तीन दिन की BOD निकालनी है, तो BOD of 3 days at 27 degree Celsius is equal to ultimate BOD or multiplied by 1 minus e to the power minus k into 3 din. So ultimate BOD aapko de rakhi hai 0.87 multiplied by 300 or multiplied by 1 minus e to the power minus k 0.317 multiplied by 3. 0.317 multiplied by e bracket close, isko solve kar lenge. 2.71 to the power minus 0.317 multiplied by 3 multiplied by 1 multiplied by 0.87 multiplied by 300. तो ये जो BOD तीन दिन की आ जाएगी, the three day BOD is equal to 159.868 मिलीग्राम पर लीटर। तो 27 डिग्री सेल्सियस पर तीन दिन की बीओडी आ गई 159.86। तो इसका आंसर आप बेटा न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, तो इसका आंसर आप पुट कर देंगे 159.868 मिलीग्राम पर लीटर। तो 117 का आंसर हो जाएगा 159.868 मिलीग्राम। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर हो रही बात, क्वेश्चन नंबर 118 को फटाफट से सॉल्व करिए। सो देखो क्वेश्चन नंबर 118 क्या है, कह रहा है ए वेस्ट वाटर सैंपल इज डाइल्यूटेड 200 टाइम्स विद द एरेशन वाटर विद द इनिशियल डिसॉल्वड ऑक्सीजन इज 7 and after 5 days of incubation at 20 degree celsius the dissolved oxygen was 0. तो zero dissolved oxygen आपको मिल रही है। तो देखो जब भी हम experiment करते हैं और 5 दिन के बाद हमें dissolved oxygen 0 मिलती है, तो हम ये guarantee के साथ नहीं कह सकते कि dissolved oxygen actually 0 कब हुई है। एक दिन के बाद हुई, आपको थोड़ी ना पता चल रहा है BOD कब खत्म, आपका dissolved oxygen कब खत्म हुआ है। जब आपको ये नहीं पता चलेगा कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कितने दिन में खत्म हुई है, कितने दिन में जीरो हुई है, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कभी भी 2 दिन 4 दिन 5 दिन आप श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते वो बीओडी कितने दिन की है, क्योंकि आपको नहीं पता। इनिशियल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन तो आपको पता है 7 मिलीग्राम पर लीटर है, लेकिन ये 7 मिलीग्राम पर लीटर एक दिन में खर्च हुई है, 2 दिन में खर्च हुई है, 3 दिन में खर्च हुई है, इसके बारे में आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जीरो कब हुई है। तो अगर ऐसा केस आता है कि जब हम बीओडी टेस्ट करते हैं, तो ये रिकमेंडेशन भी है कि जब आप बीओडी टेस्ट करते हैं और बीओडी टेस्ट करने पर अगर आपकी फाइनल डिसॉल्वड ऑक्सीजन की वैल्यू जीरो आ जाती है, तो उस केस में आपको अपने टेस्ट को अपने रिजल्ट्स को फिर से रिपीट करना होता है। उस केस में आप एक्यूरेटली बीओडी को बता ही नहीं सकते 5 दिन की। तो इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, दैट इज 118 का ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए फटाफट से। कह रहे हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर एंटर्स ए स्ट्रीम हैविंग ए बीओडी कंसंट्रेशन ऑफ 10 मिलीग्राम पर लीटर एंड ए फ्लो ऑफ 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इफ द फ्लो ऑफ वेस्ट वाटर इज 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड इट्स बीओडी कंसंट्रेशन इज 250 मिलीग्राम पर लीटर, देन द बीओडी कंसंट्रेशन इन द स्ट्रीम एट ए पॉइंट डाउन स्ट्रीम ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस इज। तो आपको मिक्स की बीओडी निकालनी है, तो अगर आपको बीओडी मिक्स की निकालनी है, सो बीओडी ऑफ मिक्स इज इक्वल टू पहले वाले की बीओडी, दैट इज वेस्ट वाटर एक स्ट्रीम में जा रहा है उसकी बीओडी कितनी है, दैट इज इक्वल टू 10 और बेटा उसका डिस्चार्ज कितना है 20 प्लस वेस्ट वाटर की बीओडी कितनी है, दैट इज 250 और उसका डिस्चार्ज कितना है 1.5।
डिवाइडेड बाई 20 प्लस 1.5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो मिक्स की बीओडी मिलेगी, द बीओडी ऑफ मिक्स विल कम्स आउट टू बी 26.74। जब इनका डाइल्यूशन होगा पानी और वेस्ट वाटर का, तो आपको मिक्स की जो बीओडी मिलेगी वो मिलेगी 26.74 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 119। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ। बहुत बार आप एक टर्म पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सीवेज सिकनेस। व्हाट डू यू मीन बाय सीवेज सिकनेस? जब हम किसी लैंड पर बार बार सीवेज को डालते रहते हैं, उस सीवेज के कारण क्या होता है, उस सॉइल के वॉइड्स क्लॉग हो जाते हैं, उसकी जो फर्टिलिटी है, उसकी जो बेटा क्वालिटी है वो क्या होने लगती है, वो बेटा डिक्रीज होने लगती है, वो सॉइल बेटा सिक पड़ने लगती है, बीमार पड़ने लगती है। तो किसी भी लैंड पर बार बार सीवेज को डालना, जिसके कारण उस लैंड में आपका जो है क्या हो, उस सॉइल के वॉइड्स क्लॉग हो जाए, इसी को हम लोग सीवेज सिकनेस कहते हैं। तो सीवेज सिकनेस अकर्स व्हेन द वॉइड्स ऑफ द सॉइल गेट क्लॉग्ड ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस ऑप्लीकेशन ऑफ सीवेज ऑन ए पीस ऑफ लैंड। एक पीस ऑफ लैंड, एक बेटा जमीन के टुकड़े में बार बार बेटा सीवेज को अप्लाई करना ताकि उसके वॉइड्स क्लॉग हो जाए, इसी को हम लोग बेटा सीवेज सिकनेस कहते हैं। तो 120 का आंसर हो जाएगा डी। तो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 120 इज डी। आई होप यू अंडरस्टैंड द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 120 इज डी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 121 क्या है, देखिए 121 क्या है, कह रहा है व्हेन द सीवेज एंटर्स ए फ्लोइंग रिवर द रैपिड डिप्लीजन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन अकर। जब हम बेटा सीवेज को एक रिवर के अंदर हम जब एंटर कराते हैं, जब हम डालते हैं, तो क्या होता है, एकदम से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फटाफट से तेजी से डिप्लीट होती है। ऐसा क्यों होता है? पहला कारण क्या है, ए ऑप्शन दे रहा है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेटा रिवर का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। नहीं, उसका डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन से क्या कनेक्शन है? फिर ऐसा बोल रहा है कि आपका जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, टेम्परेचर तो चेंज होगा, ऑब्वियसली बात है, टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है डिसॉल्व्ड जो डिसॉल्यूशन है वो बेटा आपका क्या है, कहीं ना कहीं डिसॉल्यूशन कम होगा, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन निकलेगी। लेकिन एकदम से सडन डिप्लीशन क्यों होता है? क्यों? उसका कारण यह है कि जैसे ही आप डालते हैं वैसे ही आपकी जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है आपके बैक्टीरिया जो भूखे हैं बहुत देर से वो ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं और ऑक्सीजन को खर्च करते हैं, इसके कारण आपकी ऑक्सीजन बहुत ज्यादा खर्च होती है। तो 21 का ऑप्शन हो जाएगा डी। द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21 इज, समझ पा रहे हैं? मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। कह रहा है एफ्लुएंट फ्रॉम ए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फ्लो रेट 8640 मीटर क्यूब पर डे, टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, इज डिस्चार्ज इनटू ए सरफेस स्ट्रीम हैविंग फ्लो रेट ऑफ दिस एंड टेम्परेचर ऑफ दिस। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द स्ट्रीम आफ्टर मिक्सिंग? मिक्सिंग करने के बाद आपको टेम्परेचर कितना मिलेगा? What is the temperature after mixing? Effluent from the wastewater treatment plant, इसका जो flow rate आपको दे रखा है, वो flow rate आपको दे रखा है, discharge is equal to 0.1 meter cube per second, क्योंकि देखो ये 8640 meter cube per day में, इसको मैंने convert कर लिया meter cube per second में। Temperature कितना है? Discharge आपका Q1 है, temperature आपको दे रखा है 25 degree Celsius। अब जो है इसको एक स्ट्रीम के अंदर उतारा गया है ना, एफ्लुएंट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इसका डिस्चार्ज था, अब एक स्ट्रीम के अंदर उतारा गया जिसका डिस्चार्ज कितना था 1.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और उस स्ट्रीम का जो पानी का टेम्परेचर था वो था 15 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है जब आप उसको डालेंगे तो मिक्स का टेम्परेचर कितना होगा? टेम्परेचर ऑब्वियस ही बात है आपका मिक्स का जो टेम्परेचर होगा वो चेंज हो जाएगा जैसे मिक्स होगा। वो क्या कैसे निकालते हैं? दैट इज Q1T1 प्लस Q2T2 divided by Q1 plus Q2, Q1T1 plus Q2T2 divided by Q1 plus Q2, तो यहां से आपका T-mix कितना आ जाएगा? T-mix आ जाएगा आपका 0.1 multiplied by 25 degree Celsius plus Q2 हो जाएगा आपका 1.2 multiplied by 15 divided by Q1 plus Q2, 0.1 plus 1.2, तो आप solve करेंगे तो जो T of mix आ जाएगा, the T of mix will comes out to be 15.77 degree Celsius. So T of mix will comes out to be 15.77 degree
सेल्सियस. तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी. सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी, समझ पा रहे हैं, आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा. तो ये डाइल्यूशन वाले फॉर्मूलेस हैं, डाइल्यूशन वाले पे बहुत सारे सवाल आपके पूछे जाते हैं. अब मूव करते हैं 123 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 123 क्या कह रहा है, ड्रेन विच इज कैरिंग ए सीवेज ऑफ बीओडी 200 मिलीग्राम पर लीटर एंड फ्लो रेट ऑफ 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड जॉइंस ए रिवर हुज ए अपस्ट्रीम बीओडी इज दिस एंड फ्लो रेट इज 500 मीटर क्यूब पर सेकेंड. कह रहा है अज्यूम द इमीडिएट एंड कंप्लीट मिक्सिंग ऑफ ड्रेन विद द रिवर, देन व्हाट इज द एस्टिमेट डाउनस्ट्रीम. यहां पर भी मिक्सिंग वाली प्रॉब्लम कह रहा है कि भाई साहब आपकी जो एक एक ड्रेन था जिसके अंदर सीवेज आ रहा था जिसकी बीओडी Y1 थी आपकी 200, और बेटा उस ड्रेन में जो सीवेज का फ्लो रेट था वो Q1 था आपका 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड. Q1 था 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड. उसने एक रिवर को ज्वाइन किया जिसकी बीओडी थी कम होगी, ऑब्वियस सी बात है रिवर 8 थी मिलीग्राम पर लीटर, वो रिवर जो फ्लो कर रही थी वो 500 मीटर क्यूब पर सेकेंड से फ्लो कर रही थी. तो आपसे बोल रहा है कि बताओ आपकी मिक्स की बीओडी कितनी होगी. तो मिक्स की बीओडी कैसे निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू Q1 इनटू Y1 प्लस Q2 इनटू Y2 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2. तो ये हो गया 50 मल्टीप्लाइड बाय 200 और प्लस Q2 हो गया आपका 500 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2, दैट इज 50 प्लस 500. तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो y ऑफ मिक्स कितना आ जाएगा, y ऑफ मिक्स की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, सॉल्व कर लेते हैं. y ऑफ मिक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी आ जाएगी 50 × 200 + 500 × 8 / 550. तो ये वैल्यू आ रही है 25.4 मिलीग्राम पर लीटर. तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी. तो आई होप आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी. तो अपना थर्ड मैराथन हम यहीं पर समाप्त करते हैं. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सिया, एंड अपना ख्याल रखिए.